Thank you.
ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै
श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च क्रीडन्तुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु गोपीसह गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। तमादिदेवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं। जंग प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतयातरवो विनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंदों के चरणों में यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री व्यास देव जी ने सारे ग्रंथों को उन्होंने रचना की है, लेकिन रचना को बाद में भी उनको मन में कोई शांति नहीं मिल रहा था। जब श्री नारद जी आए बोले गुरु जी मैं तो जीव कल्याण के लिए सारे ग्रंथों को रचना की लेकिन मेरे मन में शांति नहीं मिल रहा है। शांति कैसे मिलेगी? बोले जब तक तुम भगवान की कथाओं को गान नहीं करोगे तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। इसका मतलब है हम भी संसार में जो कुछ करते हैं सुख और शांति के लिए, लेकिन संसार में भी ऐसी स्थिति है एक दुख को बाद में दूसरे दुख को बाद में तीसरे दुख को बाद में दुख आती रहती है। कारण है जो मूल जो
बीमारी उसको हम सही करना नहीं चाहते, क्योंकि जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो जीव वो ईश्वर का ही अंश है, हम सबके सब भगवान की संतान हैं। जब तक हम उनकी सेवा नहीं करेंगे, ठाकुर जी की भक्ति नहीं करेंगे, हमें भी ये शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जब श्री नारद जी अपना आत्मचरित्र बताए, जीवन में इतने बड़े संत मैंने बना तो बना कैसे, सारा दुनिया में मेरी जो जय जयकार है, जहाँ जाओ सबके सब मेरी पूजा करते हैं, कारण क्या है, बोले कारण है मैंने भगवान की भक्ति की है, भगवान का आशीर्वाद से ही मेरे को इतना शांति और इतना बड़ा पद मिला। इसलिए अगर तुम भी जीवन में शांति पाना चाहते हो, ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रचना करो जिसमें तुम्हें ये शांति मिलेगी। तब उन्होंने भक्ति योग को द्वारा बोले भक्ति योगे न सम्यक प्रणहितमले अपश्यम पुरुषम पूर्णं मायांच तत् अपाश्रये। जब श्री वेदव्यास अपना भक्ति योग को द्वारा समाधिस्थ हुए, तो उन्होंने श्री बांके बिहारी जी को दर्शन किया। बोले अकेले बांके बिहारी नहीं, उनको बाम पार्श्व में श्रीमती राधा रानी खड़ी हुई, संपूर्ण गोलोक वृंदावन को उन्होंने दर्शन किया। दर्शन करते हुए उन्होंने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को जब बनाया, तब तो उनको पूर्ण शांति मिली। बोले ग्रंथ तो बड़ा सुंदर बना दिया, लेकिन ये ग्रंथ हम पढ़ाएंगे किसको, जिसके लिए मैंने ग्रंथ रचना की हो तो जन्म से ही ब्रह्म ज्ञानी होकर के चला गया श्री सुखदेव गोस्वामी, अब ये ग्रंथ पढ़ाएंगे किसी को। तब व्यास देव के चार चेले थे, एक दिन अपना चार चेलों को बोले बोले देखो मेरा एक तोता था, वो तोता कहीं उड़ करके चला गया, तुम लोग जंगल से पकड़ करके ला सकते हो। बोले गुरुजी जंगल में तो बहुत सारे तोते हैं, हमें क्या आपका तोता कैसे है। बोले मेरे तोते को पकड़ने का जरूरत नहीं, मैं तुम चार चेलों को चार में मंत्र सिखा देता हूँ, ये मंत्र सुन करके जो तोता अपने आप पकड़ में आ जाए, समझना ये तोता मेरी तोता। बोले ऐसे मंत्र। बोले हाँ। तो उन्होंने पहला चेले को एक मंत्र सिखाया, वो मंत्र क्या है, ये राधा रानी स्वयं ये मंत्र को बोली है, ये बांके बिहारी देखने में कितने सुंदर है, कितने प्यारे हैं। बोले बराह पीड़म नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत बास कनक कपिशयम वैजयंती चमालं रंध्राण वेणुरधर सुधया पुरयन गोप वृंदय वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्तात गीत कीर्ति। जब उन्होंने ये श्लोक को बोला, बोलो कृष्ण कितने सुंदर है, इसलिए कभी कभी गोपियाँ कृष्ण को ताना मारती हैं, बोले नंद लाला तू यदि हो तो लाली गला कटे जाती करोड़ों की, अच्छा हुआ परमात्मा ने तेरे को लाली नहीं बना करके लाला बना दिया, क्योंकि तू इतने सुंदर हो, इतने सुंदर तुम हो, अगर तुमको लाली होता ना सारा दुनिया तेरे पीछे मर जाती। इसलिए कभी कभी वर्णना करते हैं, बोले बराहा पीड़म, भगवान अपना सर पर मोर पंख लगाए। बोले मोर पंख क्यों लगाए, बोले इसको पीछे हमारे टीकाकारों ने पांच कारण बताया, आज मैं सुनाऊंगा कल आपसे सुनूंगा, ठीक है। पहला कारण है ये मोर पंख क्यों लगाए, बोले उसमें श्री राधा रानी का नाम लिखा हुआ है, लेकिन कैसे लिखा हुआ, जब भक्ति होगा फिर आप पढ़ सकते हो उसमें राधा जी का नाम कैसे है। दूसरा कारण है कि जो मोर ये ब्रह्मचारी है, इसलिए भगवान ब्रह्मचारी को बड़े प्रेम करते हैं ठाकुर जी हैं, इसलिए भगवान ने अपना सर पर इसलिए लगाया। तीसरा कारण बताए, आप लोग बरसाना कभी गए हो, कौन कौन गए बरसाना, जब गहर बन की परिक्रमा लगाओगे वहाँ पर एक मोर कुटी आती है, वो मोर कुटी में कभी एक दिन श्री राधा कृष्ण दोनों बैठे हुए,
और एक शिष्या में दोनों का परछाई बढ़ रहा था। और राधा रानी श्याम सुंदर को कहती, बोले श्याम सुंदर मेरे थोड़ी मुख मंडल को तुम वर्णना करो। कृष्ण बोले हे राधे तुम है ना हैं, बोले चंद्रा रुक गए, बोले आननी तुम्हारे जो मुख मंडल है चंद्र जैसे सुंदर का है। इतने में राधा रानी तो बिगड़ गई, बोले क्यों, बोले श्याम सुंदर आप जैसे ऊपर काले अंदर भी वैसे काले हो, क्योंकि चंद्र में बहुत सारे दोष हैं। पूर्णिमा को देखो पूर्ण चंद्र, फिर घटते 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 अमावस्या को अंधकार है। कहते क्या मेरी सुंदरता में कभी घटती, मेरी सुंदरता कभी बढ़ती है, मेरी तो सुंदरता हर समय स्थित रहती है। चंद्रमा में एक धब्बा भी है, एक दाग भी है, मेरे मुखमंडल में कहीं दाग है। चंद्रमा कहाँ से प्रकट होती है, बोले समुद्र से। कहते क्या मैं कहीं नमकीनी से प्रकट हुई, समुद्र का पानी नमकीनी है। इतने में तो राधा रानी बिगड़ गई। कृष्ण ने कहा देखो राधे चंद्रमा में बहुत गुण भी है। क्या गुण है, कहते जितने वृक्ष में जीवनी शक्ति ये चंद्रमा से आता है। जैसे दिन में सूर्य किरण से सब तप जाते हैं, लेकिन रात को जब चंद्रमा उदय हो उसका किरण सुशीतल है। इसलिए मैंने उदाहरण दी। इतने में राधा रानी तो बिगड़ गई, बिगड़ गई तो इतने में कृष्ण ललिता से पूछे अभी राधा रानी को मैं मनाऊं कैसे। बोले राधा रानी को मोर का नृत्य बहुत प्यारा लगता है, आप मोर बन करके श्याम सुंदर को राधा रानी को रिझाओ। जहाँ पर श्री श्याम सुंदर मोर बन करके राधा रानी को रिझाया था इसलिए उस स्थान का नाम मोर कुटी है। आप लोग देखे होंगे सबसे ऊपर में वो कुटी है। इसलिए जब राधा ने देखा कृष्ण मौर बने हुए, कृष्ण राधा रानी भी स्वयं मौरणी बनी थी। इसलिए राधा रानी की स्मृति के लिए श्याम सुंदर अपना सर पर ये मौर पंख को लगाते हैं। कितना कारण हो गया, हम लोग कोई गिन नहीं रहा, तीन कारण हो गया। कहते चार कारण बताए। एक दिन कृष्ण रास्ता में चल रहे थे, देखा एक मोर पंख मेन रोड में पड़ा हुआ। पंख ने कहा प्रभु मैंने जिसको पीछे पड़ा हुआ था ना उसने देखो मेरे को त्याग दे दिया, मेन रोड में मैं पड़ा हुआ। कृष्ण बोले कोई चिंता मत करो, जगत में जिसको कोई भी नहीं पूछते हैं उसके पूछने वाला मैं। इसलिए कृष्ण ने वो पंख को उठा करके अपना सर पर लगा दिया ठाकुर ने। चौथा कारण बताए ये मोर कब नृत्य करता है, बोले जब आकाश से बारिश हो और आकाश काला मेघ से छा जाए और घड़घड़ घड़घड़ घड़ शब्द हो और रिमझिम रिमझिम बारिश ही हो तभी ये मोर नृत्य करता है। एक दिन कृष्ण बंसुरी बजा रहे थे, बोले कृष्ण का रंग कैसे है, बोले काला मेघ जैसे। कहते उनका वस्त्र कैसे हैं, जैसे आकाश में बिजली चमकती है। उनकी जो बंसुरी की जो आवाज़ जैसे आकाश में घड़घड़ 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 शब्द होता है। इतने में मयूर तो थिरक थिरक करके नाचना शुरू कर दिया। नृत्य करते करते अब देखना जब कोई नृत्य करता है जैसे हम 10-20 रुपया लेकर घुमा घुमा करके देते हैं, मयूर ने देखा कृष्ण तो बंसुरी बजाए, जिस वजह से मैंने नृत्य किया कृष्ण को तो कुछ देनी चाहिए ना, लेकिन मेरे पास में तो पंखा सिवाय कुछ है ही नहीं। उसने अपना पंख को झाड़ दिया तो एक मयूर पंख गिरा, कृष्ण उसको उठाए और अपना सर पर लगा देते हैं। इसलिए बोले बरहा पीड़म नटवर बपुहु, भगवान के स्वरूप कैसे हैं। कृष्ण को देखो जैसे तीन जगह से कृष्ण टेढ़े हैं, उनका जो खड़े स्वरूप है कृष्ण तीन जगह से कृष्ण टेढ़े हैं। कृष्ण टेढ़े क्यों, कहते कोई अगर सीधा चीज कहीं घुस जाए ना वो निकल सकती है, लेकिन कोई टेढ़ा चीज घुस गया तो सहज में नहीं निकलते हैं। अगर किसकी दिल में कृष्ण अगर एक बार बैठ गए तो उसका हृदय से ठाकुर जी और निकलते नहीं ठाकुर जी, इसलिए तीन जगह से कृष्ण टेढ़े हैं। कहते गले में, कहते वैजयंती च मालाम, गले में भगवान गले से लेकर के चरण तक जो माला पहनते उसको बनमाला कहते हैं। और कानों में गंजा फल की कर्णभूषण धारण किए। आप लोगों को पता है गुंजा फल क्या होता है, नहीं जानते हो, हिंदी में क्या बोलते हैं देखना, इतना छोटा छोटा फल होता है उसको अपना गुंजा बोलते हैं।
वो जो जंगल से अपने आप जो मिल जाती है, जंगल से पैसा देने का कोई जरूरत नहीं, अपने आप जो मिल जाता है। इसलिए कृष्णा कहते हैं मेरे को खुश करने के लिए ऐसे नहीं, बहुत सारे कोई द्रव्य को, कीमती वस्तु को मुझे प्रदान करो, मैं खुश होता हूँ। बोले नहीं, भगवान कहते मैं केवल प्रेम की भूखा हूँ, अगर प्रेम को साथ में मेरे को कोई वस्तु दे दे उससे खुशी हो जाता हूँ। जैसे दुर्योधन की मेवा त्यागे और साग विदुर घर खाए, दुर्योधन का मेवा मिश्री तो प्रभु त्याग दिया, लेकिन उन्होंने विदुर को घर में साग भाजी और केले का छिलका ठाकुर जी खाए। इसलिए कृष्ण कहते हैं केवल प्रेम से मेरे को कोई वस्तु दे दो उससे ही मैं खुश हो जाता हूँ। इसलिए भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए यहाँ पर कृष्ण कितने सुंदर हैं। कृष्ण जब अपना सखाओं को साथ में श्री वृंदावन धाम में प्रवेश करते हैं, कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके ये पृथ्वी धन्य धन्य हो जाती है और सखा लोग कृष्ण की जय जयकार देते हुए वृंदावन में प्रवेश करते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। पहला चेले को व्यास देव जी ने एक श्लोक उन्होंने सिखा दिया और वो बीच बीच में वो श्लोकों को पढ़ रहे थे। श्री सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म ध्यान में, ब्रह्म ज्ञान में वो डूबे हुए थे, लेकिन ब्रह्म तो निराकार है, उसका तो कोई रूप नहीं, गुण नहीं, वो तो निराकार ज्योति स्वरूप। लेकिन हमारे जो कृष्णा वो तो बड़े सुंदर है, बांके बिहारी बड़े प्यारे हैं। जब इनको कान में एक श्लोक प्रवेश किया, श्री सुखदेव गोस्वामी सारे ब्रह्म ध्यान, सारे ब्रह्म ज्ञान को त्याग दे करके बाहर निकल करके आ गए और श्री इनको पूछे ये श्लोक तुमको कहाँ से मिला। बोले मेरे गुरुजी ने कहा मेरे कहीं एक तोता उड़ते हुए चला गया, उसको पकड़ करके ले आओ। मैंने कहा जंगल में बहुत सारे तोते हैं, हमें क्या पता आपका तोता कौन है। तब गुरुजी ने बताए ये श्लोक सुनकर के जो अपने आप पकड़ में आ जाए वो मेरी तोता है। बोले मैं वही तोता हूँ, मैं वही तोता हूँ। लेकिन कृष्ण तो देखने में बड़े सुंदर हैं, आप बताओ वो कहाँ रहते हैं। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं हमें ये कृष्ण भक्ति क्यों करनी चाहिए, और भी तो बहुत सारी देवा देवी हैं, लेकिन ये बांके बिहारी को हमें क्यों, कारण क्या, इनको क्यों पूजा कर। ध्यान देकर सुना, जैसे इसी जगत में जब किसी लड़की को हम किसी लड़कों से शादी देना चाहते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, उसका पर्सनालिटी कैसे है। भले ही कोई चीज़ मत देखो, भले लड़का का पर्सनालिटी बड़ा सुंदर है, सबसे पहले ये देखते हैं ना। इसी तरह जो कृष्ण है बांके बिहारी, वो इतना सुंदर, उनके बराबर कोई सुंदर जगत में है नहीं। इसलिए बोले कोटि कंदर्प कमनीय विशेष शुभम, जिनके रूप में स्वयं लक्ष्मी, जिनके रूप में आकृष्ट होकर के वैकुंठ छोड़ दी। कृष्ण जब अपना परछाई को कहीं शीशा पर देखते हैं, कृष्ण स्वयं पागल हो जाते, बोलिए कौन है इतने सुंदर, ये कौन है, कब मैं राधा रानी बन करके इसको मैं आलिंगन कब करूँ। इसलिए सबसे पहले इसको पर्सनैलिटी देखोगे, दूसरा क्या चीज़ देखोगे, वो कुछ कमा रहा कि नहीं। ऐसे नहीं बेटी को शादी दे, बेटी तो भूखी नहीं मर जाएगी। उसको इसको बाद में क्या देखते हैं, देखने में तो सुंदर लेकिन कुछ कमा धमा रहा है कि नहीं, ना आवारा होकर के ऐसे घूमता रहता है, दूसरा चीज़ देखोगे। इसलिए उन्होंने प्रश्न किया जो देखने में इतना सुंदर है वो कहाँ रहते हैं। जब उनको चार चेले में और एक चेले ने बता दिए, बोले जयति तेधिकम जान मना ब्रज प्रयास रे दिया Thank you.
रहते हैं? वो बोलते हैं वृंदावन में कृष्ण रहते हैं। बोले वृंदावन कैसे हैं? बोले चिंतामणि प्रकर सदमुहा, जो भूमि है वो चिंतामणि है, जो चिंता करो वही देने वाले। बोले वहाँ का पेड़ पौधा कैसे हैं? बोले कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष मतलब वो वृक्ष से जो मांगोगे वो वृक्ष वही देगा। कहते वहाँ का पानी कैसे? बोले पानी नहीं वृंदावन में, सब अमृत है, त्वयम मृतम। अगर वृंदावन में कोई कुछ बोली बोलते हैं ना, वो लगता है बड़े सुंदर, जैसे भाई भजन गा रहा है। अगर कोई चलते हैं लगता है जैसे बड़े सुंदर नृत्य कर रहा है। जहाँ पर करोड़ लक्ष्मी, जहाँ पर झाड़ू लगाती हैं, लक्ष्मी जिनकी चरण की सेवा करती हैं, कहते अगर वहाँ बेटी को शादी दोगे ना, हे तुम्हारी बेटी राज रानी जैसे रहेगी, चिंता मत करो, माला माल है। बोले बहुत अच्छी बात, देखने में बेटा सुंदर है, खूब पैसा भी है। फिर तीसरा चीज क्या है? उसका परिवार वाले कैसे हैं? उनका सास ससुर देवर जेठ कैसे हैं? अगर दिन भर सास अगर लड़ाई करती हैं, हाँ, अगर ससुर बड़ी क्रोधी है, जेठ बड़े गड़बड़ी व्यक्ति है, फिर आप बेटी शादी दोगे? इसलिए उन्होंने तीसरा प्रश्न किया, उसका परिवार कैसे हैं, उसकी परिवार कैसे हैं। इसलिए उनका तीसरे चेले ने बता दिए, बोले देव कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोले उनका जो पिताजी, उनका नाम नंद, नंद मतलब क्या है? सबको जो आनंद प्रदान करे। बोले माँ का नाम बोले यशोदा। बोले यशोदा मतलब सबको जो जस देती, आदर देती है। बोले जेठ का नाम, भैया का नाम बोले दाऊ दयाल। दाऊ दयाल, वो बड़े दयालु, बड़े कृपालु। बोले वाह, परिवार तो बड़ा सुंदर है। देखो चौथा चीज सबसे महत्वपूर्ण है, बेटा देखने में सुंदर, घर में पैसा की कमी नहीं, परिवार भी सुंदर, लेकिन उसका नेचर कैसे है? ऐसे नहीं दिन भर दारू पी करके तो बड़ा नहीं रहता है, बात बात में क्रोधित होकर के पिटाई तो नहीं करता है, उसका नेचर कैसे है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। चौथा चेले ने पूछ लिया, अभी तो मैं एक को भजन कर रहा हूँ। बोले किसको? बोले ब्रह्म को। अभी ये ब्रह्म को छोड़ करके अभी मैं बांके बिहारी को भजन करूँगा, अभी बताओ उसका नेचर कैसे, स्वभाव कैसे? जो चौथा चेला था ना, उसका नेचर बताए। बोले अहो बकियम स्तन काल कूटम जिज्ञासया अपि असाधि लेभे गतिन धातु चितम गतोन्नम कम्बा दयालु शरणं ब्रजेम। बोले वो इतने दयालु, इतने कृपालु कृष्ण हैं, इनके जैसे जगत में कोई दयालु कृपालु है ही नहीं, बड़े दयालु भगवान कृष्ण है। कैसे? उदाहरण दिया। बोले जिस समय पुतना ने कृष्ण को मारने के लिए गई थी स्तन में कालकुट जहर लेकर के, कहते उसका अंदर में चार चार ही अपगुण है। बोले क्या क्या अपगुण है? बोले पहला नंबर उसका नाम पुतना। बोले पुतना का मतलब क्या है? बोले जो पवित्र नहीं, जो अपवित्र है। बोले दूसरे नंबर में बच्चों को खून पीती थी, तीसरे नंबर में राक्षसी, और चौथा नंबर में भगवान के लिए उसने जहर लेकर गई थी स्तन में कालकुट जहर लेकर के पुतना गई थी। लेकिन हमारे कन्हैया इतने दयालु, बांके बिहारी इतने दयालु, एक सेकंड के लिए उसने एक नाटक रचाई थी। बोले मैया जसोदे, इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलने में झुलानी चाहिए, उसको तो गोद में लेकर के प्यार करनी चाहिए। एक सेकंड के लिए माँ की भाव से कृष्ण को देख लिया भगवान, उसके अंदर में जो अपगुण था, चार अपगुण है, अपवित्र, राक्षसी, खून पीने वाली, जहर लेकर गए थे, ठाकुर वो चीज़ को नहीं देखे। इसलिए बोले गुना अवगुना प्रभु देखो ना काम। भगवान किसी के अपगुण का प्रति नज़र नहीं देते हैं, हमारे अंदर में जो थोड़ी सी सद्गुण है ना, उसको ऊपर नज़र देते हैं। और ठाकुर जी उसको अपना गोलोक वृंदावन दे दिया, इतने दयालु कृष्ण। इसलिए बोले हे कृष्ण करुणा सिंधो, कृष्ण करुणा की समुद्र है, दीन बंधो, दीनों को बंधु भगवान है। जब इतने सुने, उन्होंने तो हाथ उठा करके
बोले यही से कृष्ण को छोड़ करके और किसको हम भजन करेंगे। वहां से भागते हुए आए और श्री व्यास देव जी ने उनको पूरी ये भागवत कथा सुनाए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ देखो, अगर आप कृष्ण भक्ति कर रहे हो, अगर आपका अंदर में थोड़ी बहुत कोई दोष है ना, ठाकुर दोष नहीं देखेंगे। लेकिन अगर आप और कोई दूसरे देवा देवी को पूजा करोगे ना, अगर थोड़ी सी कोई दोष आ गया ना, देखना पूजा करते करते थोड़ी इधर उधर हो गया, पूरा उल्टा रिएक्शन होगा। वो सीधा नहीं, पूरा उल्टा रिएक्शन होगा। लेकिन कृष्ण भक्ति में कभी ऐसे नहीं होगी, क्योंकि जो कृष्ण है वो तमेव माता च पिता तमेव। अगर बच्चा माँ की गोद में टाटी पेशाब कर दे, क्या मैया फेंक देती है? नहीं फेंकती, उसको साफ सुथरा करती है। कृष्ण ये हमारी माँ और ये पिता है कृष्ण। अगर हमारी थोड़ी गड़बड़ी होगा तो जैसे माँ जैसे बच्चे का टाटी पेशाब साफ करके उसको साफ सुथरा कर देती है, कृष्ण हमें साफ सुथरा कर देंगे। लेकिन जो दूसरे देवा देवी हो वो ऐसे नहीं करेंगे। थोड़ी सी अगर पूजा में उल्टा पुल्टा हो गई फिर तो लेने को देना हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भक्ति करो तो श्री भाग्य बिहारी की भक्ति करो, कृष्ण भक्ति करो, उसमें कोई दोष तुम्हारी ठाकुर जी नहीं लेंगे। बोले श्री भाग्य बिहारी लाल की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसमें बताए भागवत का जो वक्ता है कौन है, श्री सुखदेव गोस्वामी जो परम ब्रह्म ज्ञानी। अभी कथा आती है भागवत कथा का श्रोता कौन है। कहते भैया श्रोता भी साधारण नहीं, कहते ये श्री परीक्षित महाराज श्रोता हैं। इनका नाम परीक्षित नाम क्यों पड़ा, गर्भ में रहते हुए उन्होंने भगवान कृष्ण को उन्होंने दर्शन किया है और उन्होंने जन्म लेते ही सबको परीक्षा कर रहे थे। गर्भ में हमने जो श्याम सलोना वो जो नटवर गिरधारधारी कृष्ण को देखा, कृष्ण कहाँ है, इसलिए सबको परीक्षा कर रहे थे। इसलिए उनका नाम श्री परीक्षित नाम पड़ा है। इसलिए परीक्षित हम ठाकुर को कब दर्शन करते हैं, जब कठोर तपस्या करते हैं। लेकिन ये ऐसे एक महाभव पुरुष हुए हैं जिन्होंने गर्भ में रहते समय उन्होंने श्री श्याम सुंदर ठाकुर जी को दर्शन किया। इसलिए ये श्रोता भी कोई साधारण नहीं, भागवत का वक्ता भी कोई साधारण नहीं। इसलिए यहाँ पर महाभारत की कथा आती है। बोले जिस समय जदा मृधे कौरव संजाया नाम बिरह सत बिरम गतिम गत्यस। इसलिए जिस समय महाभारत युद्ध हो रहा था, युद्ध में अभी पांडवों का 99 भैया कुरुवंश का 99 भैया अभी मर चुके हैं, केवल एक दुर्योधन बाकी है। कहते हमारे घर में भी कभी कभी महाभारत हो जाता है। देखो महाभारत होने का दो कारण बताया। पहला कारण है महाभारत क्यों हुआ बताओ, दुर्योधन चाहता था सारे संपत्ति मेरे को मिल जाए और ये पांडवों को कुछ नहीं मिलनी चाहिए, ये पहला कारण है। इसलिए कहते हमारे घर में भी कभी कभी इसलिए महाभारत हो जाती है। हैं, लोग क्या चाहते हैं, सबका संपत्ति मुझे मिल जाए और किसको नहीं मिले। दूसरा कारण है महाभारत का, द्रौपदी ने थोड़ी सी अपना जीवा चला दी। इसलिए बड़े गुरु जी कहते थे हमारे सारे शरीर में हड्डी है, अंगुली में हड्डी सीधा हो जाता है, हाथ में हड्डी सीधा हो जाता है, पैर में हड्डी चलते हैं, कमर में हड्डी बैठते हैं, लेकिन सब में हड्डी, लेकिन एक चीज में हड्डी नहीं। किस में नहीं, ये जीव में हड्डी नहीं है। इसलिए जो जीव है ना हर समय लपर 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 हर समय कुछ बोलना चाहता है। इसलिए द्रौपदी ने क्या बोल दी दुर्योधन को, अंधा का बेटा अंधा होता है। बस इतना कारण से ही सारे महाभारत हो जाता है। हमारे संसार में भी यही होता है, बहू बहू में भाई भाई में क्यों लड़ाई होता है, थोड़ी सी जुहा स्लिप हो गई, कुछ हुआ ही नहीं संसार में, बस थोड़ी सी जुहा से कोई उल्टा पुल्टा बात निकल गई, बस जा करके पति को कान में बोलेगी तबने सुना है वो क्या बोल रही थी मेरे को, वो ऐसे बोल रही थी, वो ऐसे बोल रही थी, बस फिर तो भाई भाइयों में
बहु बहु में घर घर में फिर महाभारत सुर हो जाती फिर हैं। ये रामायण क्यों हुआ है? ये जीवा की वजह से। सीता ने गड़बड़ी किया, सीता माँ कभी गड़बड़ी नहीं करती हैं, ये शिक्षा देती हैं। सीता ने क्या गड़बड़ी की? बोले जिस समय हैं तो जिस समय में रावण ने ये मारीचि को भेज दिया, इतने में सीता ने मारीचि को देख करके बोले ये हिरणों को मेरे को पकड़ करके ला दो। भगवान राम लक्ष्मण को बोले लक्ष्मण ये सीता को छोड़ करके मत जाना, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े राक्षस लोग हैं। उन्होंने रामचंद्र चले गए मारीचि को पीछे, जब मारीचि को पीछे चले गए इतने में वहाँ पर रावण ने सन्यासी वेश धारण करके आया था। जिस समय मारीचि को भगवान मारीचि को उन्होंने तीर मारे, लेकिन वो तो हिरण नहीं था, वो तो राक्षस था। वो जोर जोर करके पुकारा, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण। सीता ने बोला तुमने सुनी है राम को पर कोई विपत्ति पड़ी? लक्ष्मण को विश्वास, राम तो भगवान, उनको पर कोई थोड़ी विपत्ति पड़ सकती है। लक्ष्मण को बोले तुम जाओ, जा करके जाओ भैया को जा करके मदद करो। बोले मेरे को भैया आदेश दिया आपको यहाँ रक्षा करने के लिए, मैं भैया का आदेश पालन करूँगा। इतने में सीता जी ने क्या बोले? सीता जी बोली अभी हम समझ रहे हो तुमने साथ में क्यों आया था। ओ ये सोच रहे हो राम मर जाएगा तुम मेरे से शादी करोगे? जो लक्ष्मण सीता को अपना माँ मानती है इसको सहन कैसे कर सकती है? फिर उन्होंने क्या की, लक्ष्मण रेखा काट करके गई। बोले जीवन में पहला बार मैं प्रभु राम का आदेश को मैं उल्लंघन कर रहा हूँ। बोले माँ एक काम करना, कभी भी ये रेखा को कभी क्रॉस नहीं करना। लेकिन सीता ने दो गलती की, पहला तो जीवा चलाई, दूसरा काम की लक्ष्मण रेखा को उसने पार की। फिर क्या हुआ? रावण उठा करके लंका ले गया। यहाँ पर शिक्षा देते हैं ये माताओं को दो काम से डर कर रहनी चाहिए। पहला नंबर ये जीवा नहीं चलानी चाहिए, उल्टा पुल्टा नहीं बोलनी चाहिए, नहीं तो घर में महाभारत होगी, नहीं तो रामायण हो जाएगी। फिर नहीं तो अपना लक्ष्मण रेखा को पार मत करो, फिर तो रावण उठा कर ले जाएगा। आप बोलोगे रावण तो तृतीया युग में था। बोले तृतीया युग में तो एक रावण था, अभी घर घर में रावण है, अभी घर घर में रावण, अभी रावण उठा कर हमें ले जाएगा। इसलिए कहते हैं स्त्रियों को कभी भी अपना मर्यादा से बाहर नहीं जानी चाहिए, हैं? फिर तो ये रावण आकर के हमें उठा करके ले सकता है, हैं? इसलिए यहाँ पर बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए ये महाभारती कथा आई, बोले जिस समय वो 99 भैया मर चुके हैं, अंतिम युद्ध किसको साथ में? भीम और श्री दुर्योधन को साथ में अंतिम युद्ध है। और युद्ध होते होते भीमसेन ने किया कि पूरा उन्होंने दुर्योधन का जंघा को उन्होंने तोड़ दिया। जब जंघा तोड़ दिया इतने में अकेला पड़ा हुआ, अकेला वो पड़ा हुआ रणभूमि में, कोई नहीं, गृध और चील उसको खाने के लिए आ रहे हैं। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं दुर्योधन कितने पराक्रमी था, कितना नाम था, लेकिन कहते भगवान से विमुख होने पर क्या दुर्गति होता है, हैं? इतने जो पराक्रमी, वो चाह रहा था पांडवों को बगैर युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आज क्या दुर्दशा उसको, आज कोई उसको देखने वाले कोई है नहीं, यहाँ पर अकेला पड़ा हुआ। इतने में अस्वस्थ आता है, बोले बताओ तेरे अंतिम क्या इच्छा है? बोले अंतिम इच्छा ये है, आश्चर्य की बात है हम 100 के 100 भाई मारा गए, लेकिन ये पांडवों का एक बाल तक भी बंका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बोले जाके राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बंका कर सके जो जगह बैरी हो। जो भगवान की शरण में रहते हैं उनको जगत में कोई भी उनको कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए उन्होंने देखो जो दुष्ट है ना वो अपना दुष्टता को नहीं छोड़ता है, कहाँ तू तो मरने वाला? बोले क्या चाहते हो? बोले पांडवों के अंदर में एक व्यक्ति का अगर मृत्यु में देख लूँ मैं खुश होकर मर जाऊँगा, क्या दुर्बुद्धि है। बोले चिंता मत कर अभी मैं दिखाता हूँ।
उन्होंने अपना खून से उनको राज तिलक लगा दी। इतने में अस्वस्थ माने अभी सबके सब युद्ध करते करते परेशानी सबके सब रात को सोए हुए वहाँ पर उन्होंने गए और वहाँ पर जब गए अंदर में प्रवेश करते हुए उन्होंने सबको एक तरफ से मार डाला, सबको मार डाले। और उसी रात को कृष्णा ये पांडवों को लेकर के बाहर चले गए थे। बोले क्यों? ये पंच पांडव भगवान की शरण में, ठाकुर जी की शरण में। जिस समय ये महाभारत युद्ध हो रही थी माता कुंती ने अपना पांचों बच्चों को लेकर के आई। बोले कन्हैया ये पांच बच्चों को मैं तेरे को हवाला कर रहा हूँ, मेरे बच्चों को तुमने रक्षा करना है। कृष्ण ने कहा बुआ जी तुमने पांच बच्चों को मेरे चरण में दे दिया, अगर ये विश्व ब्रह्मांड प्रलय हो जाए लेकिन तुम्हारी पांच बच्चों का एक बाल भी बंका होने वाले नहीं। यहाँ भी शिक्षा देते हैं अगर ठाकुर जी की शरण में अगर चले गए ना विश्व ब्रह्मांड अगर ध्वंस हो जाए लेकिन आपका कुछ बिगड़ने वाले नहीं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन कौंतेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणशति, तुम प्रतिज्ञा कर जो मेरे शरण में आते हैं उनका कभी विनाश नहीं होता है। हैं इतने में अस्वस्थ माने सबको मार दिया, पांडव का पांच बच्चे थे उनको भी मार डाले। सवेरे होते ही हाहाकार मच गया पांडवों को, जब पता चला बोले किसने मारा, बोले अस्वस्थ माने, बोले चलो वो दुष्ट कहाँ गया हम देखते हैं। कृष्ण स्वयं सारथी बन करके उनको ले गए। थोड़ी दूर जाते ही अस्वस्थमा को उन्होंने देखा। इतने में अस्वस्थमा ने देखा अर्जुन से बच्चा बड़ा कठिन है। इतने में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। कृष्ण अर्जुन को बोले अर्जुन ये ब्रह्मास्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र ही प्रतिरोध कर सकता है। दोनों ने ब्रह्मास्त्र चलाया लेकिन अस्वस्थमा को अस्त्र चलाना तो आता था लेकिन उसको वापस लेना नहीं आता था, लेकिन अर्जुन को दोनों आता था। उनने दोनों को वापस ले लिया, जैसे कि जानवर को पकड़ते हैं उसको पकड़ करके ले आए। जब ले आए लेकिन द्रौपदी तो द्रौपदी है ना, कृष्ण भक्त है और भक्तों का जो हृदय है वो कोमल होता है। कहते संत हृदय नव नीत समाना, बोले मुच्यता मुच्यता में सब। बोले अर्जुन उसको छोड़ दे क्योंकि ये गुरु पुत्र है, मेरे को पता है पुत्र मरने पर कितना कष्ट है, इसलिए इनको तुम छोड़ दो। इतने में भीम टूट पड़ा, बोले छोड़ दो हमारे पांच पांच बच्चों को मार डाला, बोले छोड़ दो अभी मैं उसको देखता हूँ। बोले इतने में कृष्ण ने चार ही हाथ को प्रकट करते हुए दोनों हाथ से तो उन्होंने द्रौपदी को समझा रहे थे और दोनों हाथ से भीम से बचाव कर रहे थे। बोले उसको क्या करनी चाहिए, बोले अर्जुन ने कहा था उसको मैं सर काट करके ला दूंगा, उसका सर को तुम पीढ़ी बना करके बैठ करके अपना बच्चों को तर्पण करना। इतने में कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम ऐसे काम करो, ब्राह्मण जितने बड़े अपराधी क्यों नहीं हो ब्राह्मण, कभी उनको जान से नहीं मारनी चाहिए। बोले कारण किया, बोले जो ब्राह्मण है, बोले नम ब्राह्मण देवाय, ये ब्राह्मण का देवता कौन है, बोले भगवान कृष्ण है। और वर्णा नाम ब्राह्मण गुरु, वर्ण में ब्राह्मण गुरु होते हैं, बड़े भाग्य से किसी को ये ब्राह्मण घर में जन्म मिलता है, बड़ी किस्मत वालों को, इसलिए ब्राह्मण को कभी जान से नहीं मारनी चाहिए। अभी ऐसे काम करो जैसे दोनों काम रखा हो, अगर मानी व्यक्ति को अगर अपमान कर दिया ना यही इसका मृत्यु के बराबर है। बोले उसका मणि का छीन लो और मुड़ मुड़ा करके पांच चोटी रख करके उसको छोड़ दो। उन्होंने वैसे कर दिया लेकिन जो दुष्ट है वो अपना दुष्टता को नहीं छोड़ता है। इतने अपमान बोध किया, बोले ये पांडव वंश को मैं निर्वंश कर दूंगा। एक साथ में उन्होंने छह ब्रह्मास्त्र चलाया पंच पांडवों को, बड़े पांच में देखा जो अभिमन्यु का जो पत्नी उत्तरा थी वो गर्भवती है। बोले अगर इसको अगर मैं मार दूँ ना पांडव वंश पूरा समाप्त हो जाएगा। पांडवों ने तो अपना अपना अस्त्र से बचवा करवा लिया लेकिन इतने में उत्तरा ने कृष्ण के चरण में जाकर के गिरी। बोले प्रभु मैं मर जाऊँ कोई चिंता नहीं लेकिन मेरे पेट में पांडवों का जो धरहर रूप में जो पुत्र अगर ये मर गया तो पांडव वंश खत्म, पिंड देने के लिए कोई नहीं रह जाएगा, इसलिए मेरे बच्चे को तुम रक्षा करो। इतने में कृष्ण उनकी गर्भ में प्रवेश किया, बच्चा मर चुका था।
लेकिन भगवान अपना गदा से ब्रह्मास्त्र को निस्तेज करके अपना दिव्य दृष्टि से उन्होंने बच्चों को प्राण दिया है। फिर जब उन्होंने जन्म लिया, गर्भ में कृष्ण दर्शन की है, जन्म लेते ही सबको परीक्षा कर रहे थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया श्री परीक्षित। नाम पड़ा बोले श्री परीक्षित महाराज की जय। एक भजन गा लो, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक भजन सुन लो। ओ मेरी नगी श्याम संस्कृति दुनिया प्यारा, नगी श्याम संस्कृति दुनिया क्या जाने, मेरी नगी श्याम संस्कृति दुनिया प्यारा, मेरी नगी श्याम संस्कृति दुनिया क्या जाने। Thank you.
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अभी कृष्ण हस्तिनापुर में है, लेकिन कृष्ण जब जब द्वारका जाने के लिए कृष्ण कोशिश करते हैं, पांडव लोगों ने कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। इतने में श्री युधिष्ठिर महाराज आकर के बोलते, बोले कन्हैया जब ये महाभारत युद्ध हुई, जब हमारे ऊपर में विपत्ति आई उसी समय तुमने हमारी मदद की, अभी तो हमें सारे संपत्ति मिल गया, अभी मैं राजा बन गया, अभी कुंती माता ने राजमाता बन गई, द्रौपदी राज रानी बन गई, जब हमें जीवन में सुख मिला कुछ दिन तक घर में रुक जा, हमारी तो थोड़ा सेवा ग्रहण करके जा, फिर जब कुछ दिन बाद में फिर जाने के लिए तैयारी हो पर भीम आ जाते हैं। बोले क्या बड़े भैया की बात रखोगे, मेरे बात नहीं रखोगे, और कुछ दिन रुक जा। फिर जब जाने के लिए तैयारी हो तो फिर अर्जुन आ जाता है। अभी कृष्ण को किसी तरह से ना घर से निकलने नहीं देते, हर तरह से कृष्ण को बांध करके रख लेते हैं और कृष्ण जा नहीं पाते। एक दिन मैया कुंती आकर के कृष्ण को स्तुति कर रही थी, बोले नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिनी नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। बोले भगवान के शरीर में 8 कमल है, कितना कमल है, क्या क्या कहते, एक कमल है, कल मैं पूछूंगा, मैं देखूंगा कौन बोलता है, एक उनका मुख कमल है, फिर भगवान की 2 हस्त कमल है, फिर उनका 2 चरण कमल है, फिर उनका 2 नेत्र कमल है, और उनका है नाभि कमल है। इसलिए भगवान का स्वरूप को सब कमल 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 के साथ में उदाहरण दिया। बोले क्यों, कारण है क्या, बोले कारण है आप लोगों ने कमल फूल देखे हो, हाँ, जब कमल फूल देखने में बड़ी सुंदर लगता है, ये आँखों को बड़ा आनंद देता है, उसी तरह जो कृष्ण वो बड़े सुंदर है, बड़े प्यारे हैं। इसलिए भगवान ठाकुर को जब देखो ना, जब जब देखो तब नया लगते हैं, जब जब देखो ठाकुर जी कभी पुराने लगते ही नहीं ठाकुर जी। इसलिए सब कमल कमल को साथ में उदाहरण दिया। और कुंती कहती, बोले प्रभु, बोले कृष्णाय वासुदेवाय, बोले तुम्हारी ये जो कृष्ण स्वरूप का जो भजन करते हैं वो बड़े सौभाग्यवान है।
लेकिन उनसे ज़्यादा कौन सौभाग्यवान? बोले श्री वसुदेव महाराज। बोले कारण किया? बोले कृष्ण कौन है? बोले जगतपति जगन्नाथ है, वो सारा दुनिया की मालिक है। लेकिन होते हुए भी उन्होंने माँ पिता किसको बनाया? बोले श्री वसुदेव महाराज को पिता बनाए, जगत पिता उन वसुदेव महाराज उनको पिता बने। बोले उनसे श्रेष्ठ कौन? बोले मैया देवकी। बोले देवकी क्यों श्रेष्ठ? कहते उन्होंने भगवान विश्व ब्रह्मांड भगवान के अंदर में, लेकिन विश्व ब्रह्मांड था अंदर में ठाकुर जी की, लेकिन ठाकुर जी जब आए किसकी पेट में आए? बोले देवकी के पेट में। विश्व ब्रह्मांड का मालिक को अपना पेट में रख लिया। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं पिताजी से माता का सौभाग्य ज़्यादा है, क्योंकि 9 महीना तक माँ बच्चों को गर्भधारण करती हैं। कहते लेकिन इनसे श्रेष्ठ कौन? बोले नंद गोप कुमार आए, श्री नंद बाबा और मैया जसोदा। बोले क्यों? बोले कृष्ण तो मथुरा में प्रकट हुए हैं, लेकिन उनको पलने में झुलाया कौन? उनको गोद में बैठा कर दूध किसने पिलाया? उनको अंगुल पकड़ करके ठुमुक ठुमुक करके चलाना किसने सिखाया? उनको उखल में बांधा किसने? बोले मैया जसोदा ने। इसलिए उनसे श्रेष्ठ हैं, कहती है मैया जसोदा नंद बाबा। लेकिन उनसे श्रेष्ठ कौन है? बोले ये ब्रज की गोपियाँ। बोले क्यों? बोले भगवान ने रास किसको साथ में रचाया? रास मतलब होता है रसानाम समूह इति रास। भगवान सर्वश्रेष्ठ जो लीला रास लीला, जिसमें भोले बाबा स्वयं गोपी बन करके ठाकुर जी की रास दर्शन करने के लिए आते हैं, इसलिए शंकर जी का एक नाम श्री गोपीश्वर महादेव। बोले श्री गोपेश्वर महादेव की। कहती ये गोपियाँ सर्वश्रेष्ठ, लेकिन उनसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? ये गोपियाँ भी जिनकी चरण की सेवा करती हैं। बोले ये कौन? बोले श्रीमती राधा रानी। इसलिए वृंदावन में जाओ तो इसलिए कोई कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे जोर से बोलो, राधे राधे। कोई इधर वालों को कोई आवाज नहीं आती है। क्या बोलते हैं वृंदावन में? सबके सब श्रीमती राधा जी का नाम लेते हैं, क्योंकि जो राधा जी का नाम है, हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, राधा जी के नाम की कितने महिमा। क्यों वृंदावन में सबके सब श्री राधे राधे बोलते हैं? कल मैं पूछूंगा, आज मैं बताता हूँ, ठीक है? देखो एक समय माता पार्वती श्री भोले बाबा से बोले, बोले ठाकुर जी बताओ हम किसकी भक्ति करनी चाहिए, पूजा किसकी करनी चाहिए? शंकर जी बोले पार्वती आराधना नाम सर्वेशां विष्णु आराधनाम पर, जितने आराधनाओं में भगवान विष्णु की जो आराधना सर्वश्रेष्ठ। माता पार्वती एक विष्णु रोजाना ये विष्णु सहस्र नाम को पार्वती खुद पढ़ती थी। जब कुछ दिन गई शंकर जी एक दिन सवेरे सवेरे भोजन मांगे, बोले पार्वती भोजन लाओ। पार्वती बोली आपने बुलाया भगवान विष्णु की आराधना श्रेष्ठ, 1000 विष्णु का नाम पढ़ने के लिए तो समय चाहिए, आप बड़े जल्दीबाजी भोजन की बात करते हो, पहले भजन उसके बाद में भोजन, पहले भजन उसके बाद में भोजन, इसलिए थोड़ी सी रुक जाओ। इतने में शंकर जी बोले इधर आ, तेरे को और एक नाम बताता हूँ जो कम परिश्रम में ज़्यादा फल मिलेगा। बोले बताओ। कहते विष्णु सहस्र नाम में एक श्लोक है, वो श्लोक में कहते हैं बोले राम रामेति रमेति रम रमे मनोरमे सहस्र नाम विस्तुल्यम श्री राम नाम बरानने। हे पार्वती, कहते जो भगवान जो राम का नाम बड़ा सुंदर नाम है, अगर 1000 विष्णु का नाम कोई ग्रहण करे, केवल एक बार श्री राम का नाम बोल दे तो 1000 विष्णु सहस्र नाम को साथ में एक राम नाम बराबर है, इतने राम नाम की श्रेष्ठ। इसलिए हनुमान दिन भर क्या करते हैं? बोले रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम। इसलिए हनुमान जी दिन भर सीताराम सीताराम नाम लेते हैं। पार्वती बोली प्रभु तो फिर सीता नाम सीताराम ने। बोले हाँ सीताराम के नाम ले रही थी। कुछ दिन बाद में फिर शंकर जी भोजन मांगे, बोले पार्वती भोजन लाओ। बोले प्रभु अभी भजन नहीं हुआ, अभी भोजन के लिए थोड़े से रुक जा, हैं बाद में भोजन दूंगी, पहले भजन हो जाए। शंकर जी बोले पार्वती इधर आओ, तेरे को और एक नाम बताता हूँ जो परिश्रम कम और ज़्यादा फल मिलेगा। हम यही चाहते हैं ना, सारा दुनिया तो यही चाहता है परिश्रम कम और माल ज़्यादा माल मिले, इसलिए आओ।
तो बोले क्या प्रभु जी? देखो ये शंकर स्वयं कहते हैं, बोले सहस्रा नाम नाम पुण्या नाम त्रिरा वित्वा तु जत फलम एक वृत्वा तु कृष्णस्य नामैक तत् प्रजच्छति। इसका मतलब है कहते अगर ये विष्णु सहस्र नाम को कोई तीन बार पढ़े, मतलब 3000 विष्णु का नाम कोई ले, अगर एक बार केवल श्री कृष्ण का नाम ले ले तो एक कृष्ण नाम के समान ये 3000 विष्णु का नाम। मतलब जब एक कृष्ण नाम आपने ग्रहण किया 3000 विष्णु का नाम और 3 बार राम का नाम हो गया। बोले प्रभु हरे कृष्ण का नाम, बोले कृष्ण 16 कला में बांके बिहारी, ये 16 कला में परिपूर्ण है, राम के अंदर 12 कला है और कृष्ण के अंदर में ये 16 कला विद्यमान। इसलिए भागवत में बताए हैं, भागवत में बताए एतेचांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो पूर्ण ब्रह्म ये स्वयं कृष्णचंद्र, ये पूर्ण ब्रह्म भगवान कृष्ण है। इसलिए हम आगे इसकी कथा सुनेंगे सब, क्यों वो पूर्ण ब्रह्म है, कारण क्या, ब्रह्मा क्या कहते हैं, शंकर क्या कहते हैं इनके बारे में। बोले प्रभु फिर तो कृष्ण का नाम, बोले हाँ पार्वती कृष्ण नाम लो। तब उन्होंने भगवान कृष्ण का नाम लेती थी, जब कृष्ण का नाम लेती थी कुछ दिन बाद में शंकर जी फिर पार्वती को बुलाए, बोले पार्वती आज एक रहस्य बात तेरे को बताऊंगा जो बाद में किसी को बताया नहीं। बोले ये कृष्ण नाम से भी एक श्रेष्ठ नाम है। बोले प्रभु आप ही तो कुछ दिन पहले बताए कृष्ण 16 कला में परिपूर्ण है, उनसे बड़े कोई नहीं है, ये पूर्ण ब्रह्म सनातन है, आप ही तो बताए। बोले फिर बता रहे हो इससे कोई श्रेष्ठ नाम है? बोले मैं थोड़ी बता रहा हूँ, वो बांके बिहारी खुद ये बात को बताए। देखो ये श्लोक है, ये चंद्रमा को कृष्ण स्वयं बताए थे। बोले मम नाम सतनापि राधा नाम सदूतमम ज करोति सदा राधा ना जाने महिमा कीमत। कृष्ण कहते हैं चंद्रमा अगर किस कोई व्यक्ति मेरा नाम को 100 बार ले ले, लेकिन एक बार कोई केवल श्री राधा रानी का एक बार नाम ले ले तो मेरे 100 नाम के समान एक श्री राधा नाम के समान। इसलिए श्री, इसलिए वृंदावन में जाने पर सब का सब किसका नाम लेते हैं? राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। इसलिए जब एक बार कोई राधा का नाम लो, इसलिए वृंदावन में कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, सबके सब श्री राधे राधे सबके सब बोलते हैं, हैं? इसलिए हम लोग जो ये हरे कृष्ण कहते हैं ना, ये हरे मतलब क्या है? हरे मतलब होता है कृष्ण का मन को, प्राण को, चित्त को जो हरण करती है ये श्रीमती राधा रानी। इसलिए पहले हम हरे कृष्ण हम नाम लेते हैं। इसलिए पार्वती बोली प्रभु अभी तो मैं फिर तो राधे ही बोलूंगा और कुछ बोलूंगा नहीं। इतने में शंकर जी बोले पार्वती इसमें भी एक रहस्य। बोले फिर क्या रहस्य? आप तो बता दिया एक राधा रानी का नाम को साथ में 100 कृष्ण नाम बराबर है, फिर आप बता रहे हो फिर इसमें रहस्य किया? बोले राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। अगर तुम राधा जी का नाम लोगे ना, वो राधा जी नहीं आएगी। बोले कौन आएगा? बोले बिहारी जी आएंगे। बोले फिर, बोले अगर तुम कृष्ण कृष्ण बोलोगे तो वहां पर से राधा रानी आती है, क्योंकि जो राधा नाम से कृष्ण खुश होते हैं और कृष्ण नाम से सिर्फ राधा रानी खुश होती हैं। इतने में माता पार्वती कहती है बोले प्रभु मैं तो बीच में फंस गई हूँ, अभी बोलो राधे राधे बोलू ना कृष्ण कृष्ण बोलू? बोले ये दोनों का नाम बोलो, कृष्ण नाम से राधे, राधा नाम से कृष्ण खुश होते हैं। बोले बताओ कैसे? देखो ये शंकर स्वयं कहते हैं, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान की जुगल नाम है, दोनों का नाम लो। बोले हरे मतलब श्री राधा रानी, कृष्ण का मन प्राण चित्त को जो हरण करती हैं, कृष्ण मतलब कृष्ण, फिर हरे राम हरे मतलब राधा रानी। यहाँ पर जो राम शब्द है ये अयोध्यापति दशरथ नंदन जो राम, इनका नाम महामंत्र में नहीं है, इसमें राधा जी को साथ में कृष्ण रमण करते हैं, इसलिए उनका एक नाम श्री राम, इनका नाम, इसलिए कृष्ण का नाम राम। ये महामंत्र में श्री जुगल का ही, राधा कृष्ण का ही केवल नाम है। बोले श्रीमती राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे।
जब माता कुंती कृष्ण को स्तुति कर रही थी, बड़ी बड़ी श्लोक से स्तुति कर रही थी, इतने में कृष्ण ने कहा, बोले बुआ जी आज तो तू उल्टा गंगा बहा रही हो, मैं तो भातीजा हर तू मेरी बुआ, कहा मुझे तुम्हें स्तुति करनी चाहिए, आज तो तू उल्टा मेरी स्तुति कर रही हो। बोले प्रभु यही तो तेरी माया, किसको भैया किसको मैया किसको बुआ तुमने बना दिया, लेकिन कृष्ण कौन है, विश्व ब्रह्मांड का तुम मालिक हो तुम। बोले कन्या तेरे माया को समझना बड़ा कठिन, एक दिन मैं भी तेरी माया में मैं भी स्वयं आश्चर्य में पड़ी गई थी। बोले कब? बोले एक समय तुमने ब्रज में मक्खन चोरी की और मक्खन चोरी करते हुए मटकी को फोड़ दिया तुमने, जब मैया को पता चला इसने मटकी फोड़ दी, मैया तो डंडे लेकर के उसको पकड़ने के लिए भागी, हैं पकड़ने के लिए भागी, जब उन्होंने उसको पकड़ लिया उसको, इतने में मैया जसदा डंडे से उसको डरा रही थी। बोले दुष्ट पहले दूसरों घर में मक्खन चोरी करता था, आज मेरी सास का समय की मटकी तुमने फोड़ दी, हाँ घी पी कर कितना मजबूत हो गया था, अभी तेरे को मारूं। और उसी समय में कृष्ण सिसक करके रो रहे थे। बोले कन्या में देख करके चकित तो रह गया, क्योंकि तेरी डर से हैं कद विश्व ब्रह्मांड काल स्वयं तेरे डर से कांपते हैं, सारे देवता तुम्हारे डर से थरथर कांपते हैं, लेकिन आज तू मैया की डर से थरथर कांप रहा था, इसलिए तेरे माया को समझना कन्या बड़ा कठिन है। बोले ठीक है बुआ जी, तुम्हारी मन में जो कुछ इच्छा है ना मेरे से तो वर मांग लो। जब उन्होंने बोले वर मांगने के लिए, उसी समय में मैया कुंती भगवान से वर मांगती हैं। बोले विपति संत न साक्षात तत्र तत्र जगत गुरु। बोले हे श्याम सुंदर, अगर मेरे को तुम देना चाहते हो, मेरे झोली में तुम विपत्ति भर दो। बोले बुआ जी सारा दुनिया मेरे पास में संपत्ति चाहते हैं, आज तू विपत्ति क्यों मांग रहे हो? बोले लाला कदे सूख के माथे सील पड़े, जो राम हृदय से जाए, बलि हरि वो दुख को जो पल पल नाम जपाए। कदे दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में जो सुमिरन करे फिर दुख काहे को आए। देखो ये माँ कुंती, जब हम भगवान के दरबार में जाते हैं क्या मांगते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन की, भगवान से ही प्रार्थना करते हैं ना। लेकिन आज कुंती बुआ भगवान से विपत्ति मांग रहे, बोले प्रभु मेरे झोली में तुम विपत्ति भर दो, हैं विपत्ति भर दो। कहते भैया उन्होंने भगवान से विपत्ति क्यों मांगी? देखो आपसे एक प्रश्न करता हूँ, ये बताओ आप लोग ज्यादा संपत्ति में ज्यादा भगवान को स्मरण आता है ना, दुख में ज्यादा स्मरण करते हैं? जगत में लोग ज्यादा सुख में स्मरण करते हैं ना, दुख में स्मरण करते हैं? दुख में ज्यादा स्मरण करते हैं, सुख आए तो भगवान को एक तरफ में धर देते हैं, बोले भगवान का जिसका कोई काम धाम नहीं वही सब भगवान की भजन करते हैं, हम पास में किसी की कमी है। इसलिए कुंती कहती है, बोले प्रभु चार तरह का व्यक्ति तेरे भजन नहीं करेंगे। बोले कौन? बोले जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी रेदमान मद अपमान, ये चार व्यक्ति को अंदर में अहंकार आ जाती है। बोले कौन है? बोले जन्म, अगर कोई हाई भाई वंश में जन्म हो जाए ना कद उसके अंदर में अभिमान आ जाते हैं, ऐश्वर्य ज्यादा अगर पैसा थोड़ी सी हो गया उसमें भी अहंकार आ जाती है। श्रुत मतलब है अगर थोड़ी सी लिखाई पढ़ाई ज्यादा कर लेना, अरे भगवान भगवान का कोई है, भगवान को निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। श्री मतलब होता है जिसका थोड़ी सी चमड़ा सुंदर हो जाए, हाँ थोड़ा हीरो हीरोइन हो जाए, इसलिए कहते भगवान को भक्ति नहीं करते चार तरह का व्यक्ति। लेकिन अगर किसको अंदर में ये गुण है लेकिन भगवान की भक्ति करते हैं, समझना चाहिए इनके ऊपर में ठाकुर का बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा इनके ऊपर में जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इसलिए कुंती कहती है, बोले प्रभु इसका प्रमाण देखो, जब जब हमारी ऊपर में विपत्ति पड़ी, कितना विपत्ति पांडवों के ऊपर पड़ी, जब जब हमने तुमने स्मरण किया तब तक तुमने रक्षा की, अभी हमारी घर में संपत्ति आ गया, युधिष्ठिर महाराज राज चक्रवर्ती राजा बन गए, द्रौपदी राजरानी बन गई, मैं राजमाता बन गया, बनते ही अब अभी हमको छोड़कर जा रहे, लेकिन जब जब विपत्ति बढ़ी तब तक तुम हमारी साथ में तुमने रहा। हाँ देखो एक चीज को समझो, बोले इसका मतलब क्या हमारी ऊपर में विपत्ति आए,
कुंती मांग रही ना हमें विपत्ति दे दो, इसका मतलब क्या हमारे ऊपर विपत्ति आई? नहीं, इसका मतलब ये नहीं। एक उदाहरण दिया है, जैसे आपका पड़ोसी को साथ में आपको लड़ाई झगड़ा, आप अपना बच्चों को बोले देख बच्चा भले ही बीस खा करके मरना तो मर जाना, लेकिन पड़ोसी के घर में मत जाइए, इसका मतलब क्या तू जहर खा कर मर जा? इसका मतलब है पड़ोसी के घर में मत जाया कर। उसी तरह यहाँ पर शिक्षा देते हैं, जो मैया कुंती भगवान से विपत्ति मांग रहे, इसका मतलब नहीं विपत्ति आए, इसका मतलब है बोले प्रभु जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, इसका मतलब यही है। तो जिस अवस्था में रखना तू रख ले, लेकिन जय समय तेरे मुझको कभी भूलो नहीं, हर समय तेरे को याद करते रहे, तेरे भक्ति तेरे नाम करते रहे, इसका ये तात्पर्य है। एक बार हाथ उठा कर सब कैसे बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आज उनको घर में जो साइंटिफिकल जो बात बोल रहा था ना, यहाँ पर यही बात बोली, उनको सुनाई नए बच्चे आए उनको ये चीज़ पता चलेगा, हाँ वही बोलो हरे कृष्ण। अभी यहाँ पर पितामह भीष्म अभी सरसज्जा में लेट हुए हैं, इनकी जो अंतिम इच्छा है भगवान की कीर्तन करते करते भगवान का नाम लेते लेते मैं अपना अंतिम श्वास को त्याग करूँ, उनको वही इच्छा थी, इसलिए ठाकुर जी वहाँ पर गए और उनको सामने ठाकुर जी स्वयं खड़े हुए और पितामह भीष्म भगवान को दर्शन कर रहे हैं और अपना मुंह में ठाकुर का नाम लेते लेते ठाकुर जी के चरण को हृदय में धारण करते करते उन्होंने अंतिम श्वास को त्याग दिया। जब यह चीज को देवता लोग देखे बड़े आश्चर्य में हो गए, बोले क्यों? देखो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, बोले जनमा जनमा मोनी जाता ना कराए, जनमा जनमा मोनी जाता ना कराए, जनमा जनमा मोनी जाता ना कराए, जनमा जनमा मोनी जाता ना कराए। देखो आप लोग तो सब हिंदी समझते हो, देखो ये प्यार में गोस्वामी जी क्या कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बोलो भजन करने के लिए ना, बोले कोई भजन का उम्र है? जब रिटायर्ड लाइफ हो जाएगा एक दो माला सटका लेंगे, अभी क्या भजन की बात करते हो? देखो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, हिंदी तो समझते हो, बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराए, कहती है मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करने पर भी अंतर राम कहीं आवत नाही, तब भी अंतिम समय में प्रभु का नाम नहीं आता है। जतन करने पर भी अगर जो बिना जतन करेगा उसको कैसे प्रभु का याद आएगा बताओ? इसलिए जो चीज हम बचपन से आदत डालेंगे वही चीज अंतिम समय में निकलेगा, जो चीज आदत डालेंगे वही तो निकलेगा ना। इसलिए भगवान की जो भक्ति है ना, प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमार आचरते प्राज्ञम, जो बुद्धिमान व्यक्ति उनको 5 साल उम्र से प्रभु की भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। बोले क्योंकि बोले जीवन में निश्वास में कोई विश्वास नहीं, किस समय ये बंद हो जाए? देखो ये कोरोना आकर के कितने लोग को मरे हैं, कोई गारंटी है? इसलिए भगवान की भक्ति बचपन से करनी चाहिए, हैं यही आदत बचपन में डालो तब अंतिम समय में जाकर के भगवान की स्मरण होगा। इसलिए दूसरा अर्थ है जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जब ये मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करते हैं तब अंत राम कहीं, तभी अंतिम समय में राम का नाम निकलेगा। और राम नाम कहीं आवत नाही, पर संसार में आना नहीं पड़ेगा, पर संसार में तुम्हें आना नहीं पड़ेगा। इसलिए
जो आदत बचपन से ही आदत हमें भक्ति की डालनी चाहिए। अगर मीरा ने कितने साल उम्र में भजन किया है, जब वो 5 साल की उम्र थी ना, एक शादी जा रहा था, घोड़े के ऊपर दूल्हा बैठ करके जा रहा था, उस मीरा ने माँ से पूछा, बोले मैया ये क्या है, बोले दूल्हा जा रहा है, ये दूल्हा जा रहा है, बोले मैया मेरी दूल्हा कहाँ है, उसने मैया कन्हैया को दिखा दिया, ये तेरे दूल्हा है, बस उसने मान लिया कृष्ण मेरे दूल्हा है, भगवान को मान लिया, और भक्ति करते करते इतना बड़ी हो गई, सारा दुनिया में उसका नाम अमर हो गई। ध्रुव प्रहलाद महाराज ने कितने उम्र में भजन किया, 5 साल उम्र में। हनुमान जी बचपन से, तुलसीदास एकदम यंग भजन हैं, इसलिए भक्ति बचपन से इसकी आदत भक्ति की डालनी चाहिए। जो चीज देखो रील में जो चीज भरा होगा वही तो निकलेगा ना, अगर रील में जिंदगी भर कचड़े भर दिया तो अंतरिम से कचड़ी निकलेगा। आप खुद देख लो, आप बैठ जाओ 10 मिनट ठाकुर का याद करें, अब आंख बंद करो, 1 मिनट भी भगवान के स्मरण नहीं होगा, 1 मिनट भी नहीं होगा, क्योंकि रील में जो भरा हुआ वही निकलेगा। वो आंख बंद करते बेटा बेटी नाती पति दुनिया दारी जितने चीज दिखे, लेकिन केवल ठाकुर ही नहीं दिखेगी। इसलिए यहाँ पर कहते भगवान भक्ति की जो आदत है, ये आदत हमें बचपन से भक्ति की आदत हमें डालनी चाहिए। देखो जैसे एक बच्चा पढ़ाई करता है, जैसे सीए करता है, इंजीनियर डॉक्टर करता है, डॉक्टर कितना साल पढ़ाई करना पड़ता है, 25 साल। जब पेपर आ जाए ना 10-10, 15-15 घंटा बिना सोए, जब एग्जाम देने के लिए जाता है पूरा पुस्तकों को भर करके दिमाग में दूसरे दिन जा करके पेपर देता है, इतने कठिन से 25 साल पढ़ो जा करके कोई इंजीनियर डॉक्टर जा करके बनता है, इतने कठिन से तभी जा करके बनता है, नहीं तो नहीं बन पाएगा हैं। इसलिए लेकिन जब लास्ट जब एग्जाम देता है ना अपना नौकरी के लिए, बस 1-1.5 घंटा उसमें पेपर में पास हो जाता है, क्योंकि इसके लिए कितना साल पढ़ाई करना पड़ा, 25 साल तक पढ़ाई करना पड़ा, लेकिन जब एग्जाम देता है ना 2-1 घंटा में एग्जाम दिया, बस इंजीनियर बन गया, सीए बन गया, डॉक्टर बन गया, लेकिन उसी के लिए कितना उसको परिश्रम करना पड़ा, कितने परिश्रम करना पड़ा। कहते उसी तरह अगर जिंदगी भर अगर प्रभु की ध्यान करेंगे अंतिम समय में क्या होगा, फिर प्रभु की स्मरण अंतिम समय में आएगा। इसलिए यहाँ पर पितामह भीष्म जी साक्षात भगवान सामने खड़े हुए, उनको स्मरण करते करते अंतिम श्वास को त्याग दी, और सारे देवता दर्शन करते हुए भगवान श्री भीष्म की जयकार दे रहे थे, बोले श्री पितामह भीष्म की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ हरे कृष्णा। हमारे बीच में एक बच्चा आपको थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, 1 मिनट हम कीर्तन कर लेते हैं, सबके सब मेरे साथ में हाथ में ताली बजाते हुए कीर्तन करना। देखो पहले मैंने बताया था ना ताली बजाने का क्या महत्व है, किसको याद है बताओ तो, क्या ताली बजाने का क्या महत्व है? पहला और महत्व है आकुप्रेशर, आप जानते हो आकुप्रेशर, वो हाथ से ही सारी बीमारी को सही करते हैं। जब हम ताली बजाओगे, रामदेव बाबा का योगा देखे हो, वो बताते हैं ना यहाँ पेट दबाओ, यहाँ दबाओ, यहाँ पर कैंसर, यहाँ पर आँख का ज्योति बढ़ेगी, यहाँ पर हार्ट सही होगी, बताते ना। इसलिए जब हम ताली बजाते हैं सारे पैंट से दबती हैं हाथ भी, इसलिए तुम्हारी बीमारी सही होगी हैं। और दूसरा कारण है जो जो ताली बजाने पर आपको सारे नस खुल जाएगी, इसलिए कहते जो ताली बजाएगा वो बड़ा इंटेलिजेंट बनेगा, बड़े बुद्धिमान बनेगा। अगर तुम्हारे दिमाग कम है ना, अब ताली बजाओ देखना सारे पैंट से खुली जाती है, सारे नस खुली जाती है, इंटेलिजेंट बनेगा। जो तीसरा कारण है, पहले हमने बताया था, क्या बताओ तीसरा कारण है? अगर संसार में ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, किसी ज्योतिष को पास में जाते हैं, बोले भैया हाथ देखो तो, कि संसार का दुख एक को बाद में एक दुख क्यों आ रहा है, क्या ज्योतिष तुम्हारे दुख दूर कर पाएगी? वो बता सकता है लेकिन दुख नहीं दूर कर पाएगी। किसने दुख दूर करेगा? ठाकुर जी। हम ताली कब बजाते हैं? किसकी ग्लोरी में, कहते ना ताली बजा करके स्वागत करो, यहाँ पर किसकी ग्लोरी में ताली बजा रहे हो? ठाकुर जी की। जब ताली बजाओगे अगर तुम्हारी हाथ का जो रेखा उल्टा सुलटा होना, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, ठाकुर जी वही हमारी भाग्य को केवल वही बदला सकते हैं। अगर ताली बजाओगे तो तुम्हारी हाथ का रेखा बदल जाएगी, ठाकुर जी हाथ रेखा को सही कर देंगे। इसलिए सबके सब ताली बजाते हुए मीठी मीठी मेरे पीछे पीछे कीर्तन करो, और देखो
कीर्तन का बड़ा महत्व है, पहले मैंने बताया था हाँ, भगवान का नाम कीर्तन का बड़ा महत्व है। आप बोलोगे क्या कीर्तन करने से क्या होता है, नहीं बहुत कुछ होता है। भगवान का नाम जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे मतलब क्या है, जो हमारे सारे दुख को हरण कर ले। कृष्ण मतलब क्या है, हमारा चंचल मन को जो भटकने नहीं दे, जो आकर्षण करे। राम मतलब जो आराम दे। महामंत्र में तीन अर्थ है, हैं? अगर भगवान का नाम करेंगे ना, इसमें तीन चीजें मिलेगी, दुख दूर होगी, चंचल मन जो भटकता है भटकेगा नहीं, और जीवन में हमें आराम, जीवन में हमें आराम मिलेगी भगवान का नाम से। इसलिए सबके सब मेरे पीछे पीछे भगवान का नाम लो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे की जय जय श्री राम। हाँ, आपको बीच में ये बच्चे आपको थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, सब ध्यान देकर सुनो। ये जो आज बात वो साइंटिफिकल कुछ बात बताएगा कि भक्ति में क्या शक्ति है, क्योंकि जो यंग जो बच्चे हैं ना, जो पुराने पुराने जो बच्चे लोग हैं उनको तो भक्ति में थोड़ी बहुत रुचि है, लेकिन अभी जो यंग स्टार है ना, धीरे धीरे इनकी भक्ति धीरे धीरे हृदय से खत्म होती जा रही है। इसलिए आज वो इसी विषय पर बचाएंगे, बताएंगे हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए, हरे कृष्ण भक्ति में क्या महत्व है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक और बार जोर से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरुपाद पद्म पूज्य पाद श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील श्रीधर महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदोपरांत नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंदों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानु गुरुवर्गों के चरणों में दंडवत प्रणाम। उसके पश्चात यहाँ उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। गुरु जी ने आज्ञा दी है थोड़ी सी हरि कथा सुनाने के लिए साइंटिफिक तरीके से। आजकल देखने में आता है, मैं खुद भी नौकरी करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, देखने में आता है कि जो प्रेजेंट सिनेरियो कुछ इस प्रकार से बन गया है कि जो भक्ति गीता भागवत इसको सब लोग सोचते हैं कि ये एक मनगढ़ंत या फिर सच्चा है या नहीं, डाउटफुल इस तरीके से लोग इसको ट्रीट करते हैं। और लक्षण क्या है, सिम्टम्स भी तो होते हैं ना, अगर कुछ कार्य है तो उसे कुछ सिम्टम्स होने चाहिए। सिम्टम्स क्या है, कोई भक्ति करता नहीं, सिम्टम ही तो है। अगर किसी व्यक्ति को पता हो कि भाई ये काम करने से मुझे ये प्राप्त होगा तब तो वो काम को करेगा, उसकी उसमें श्रद्धा है। अगर श्रद्धा नहीं है, फेथ नहीं है तो नहीं करेगा। तो यंग जनरेशन अगर भक्ति के अंगों का पालन नहीं करते, गीता भागवत को नहीं पढ़ते, हमारी संस्कृति में उनका विश्वास नहीं है, तो इसका मतलब उनको ये इसमें विश्वास नहीं है। हरे कृष्ण, आपका जो बेटा और बहू को बुला लो। हरे कृष्ण, क्या नाम उसकी? इसीलिए देखिए हमारे शास्त्र जो है ना, गीता भागवत वेद पुराण, आप सभी ने तो सुना होगा। सभी शास्त्रों का मूल कौन है? वेद है। क्या है? वेद है। लेकिन अगर बच्चों से पूछा जाए कि भाई क्या आपको वेदों के चार विभाग पता है, चार वेद कौन से हैं, पता है 90% बच्चे नहीं बता पाएंगे। बड़े आश्चर्य की बात है। चलो वेद के नाम बता भी दिए, लेकिन अगर हम पूछें क्या गीता का कोई श्लोक आता है, नहीं आएगा। बच्चों का तो छोड़ो, हमारा ही नहीं डाउट है, हमें तो हमें आता है कि नहीं आता है। फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि भाई हम भारत में हमारा जन्म हुआ है, भारत भा माने ज्ञान में रत रहने वाला देश, उसमें रह करके अब हमारा ही ज्ञान गीता भागवत से वंचित है, तो क्या हम भारत देश में रहने के अधिकारी हैं? नहीं है। ये भारत ये भोग भूमि नहीं है, ये योग भूमि। यहाँ पर आकर के भक्ति योग करके ये जीव जो है ईश्वर तक जा सकता है, ऐसा सुलभ अवसर यहाँ प्राप्त होता है भारत भूमि में। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको जानवरों की तरह इस जीवन को निकाल देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास ही नहीं है वेद पुराण के अंदर। अब कुछ ऐसी बातें फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, कुछ थोड़े बहुत, ज़्यादा टाइम तो कम है, कि जिससे कि हम समझ पाएंगे कि नहीं हमारे वेदों में जो बात है वो पक्की पक्की बात है। देखिए ये जो योग है ना, जो योगा, अभी योगा दुनिया कर रही है कि नहीं कर रही, आप बताओ। ये योगा कर रही है, जो पतंजलि का योग है, ये कहाँ से आया, कहाँ से आया बताओ? ये वेदों का ही एक पार्ट, ये जो पतंजलि का जो ये योग है ये वेदों से ही आया है। सारी दुनिया आज मान रही है कि नहीं मान रही है, इसको मान रही है, लेकिन क्या हमें पता है कि ये वेदों से आया है? एक एक मुद्रा, एक एक क्रिया, एक एक आसन प्राणायाम जो हम करते हैं, ये कहाँ से आया है? सब वेदों से आया है। और असर करता है कि नहीं करता है? करता है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया उसको मान रही है। इंटरनेशनल योगा डे सारी दुनिया मनाती है, मनाती कि नहीं मनाती है? मना रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें ये बात में दम है। ये योगा कहाँ से आया? वेदों से आया है। कोई दुनिया झुठला नहीं सकती इस बात को, ठीक है। दूसरा, हम लोग ये समझता, जितने भी क्रिया हम देख रहे हैं ना, सारा ज्ञान दुनिया में वेदों से आया है। आप सोच नहीं सकते, आप इंटरनेट पे आ जा करके, जितने लोग मोबाइल चलाते हैं आप जा करके उसमें डालना वैदिक मैथमेटिक्स। क्या डालना? वैदिक मैथमेटिक्स। ये पूरा गणित भी वेदों से ही आया है। लेकिन क्या हुआ, आने वाले समय में कुछ मिशनरीज इस प्रकार से आए, कुछ इस तरीके से हुआ कि उन्होंने उसको अपना बना करके प्रेजेंट किया है, उसका जो पूरा क्रेडिट है वो खुद ले लिया है। लेकिन आप मुझे बात बताओ,
जब संस्कृत के अंदर जो पूरा मैथमेटिक्स जब पूरा सूत्रों में लिखा हुआ है तो कोई दूसरा व्यक्ति का वो कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? आप जाकर के जब सर्च करोगे ना, केवल 16 या 17 सूत्र हैं या फॉर्मूलाज हम कह सकते हैं, उसके अंदर पूरा मैथमेटिक्स है। क्या है? पूरा मैथमेटिक्स है, और वो भी छोटा मोटा मैथमेटिक्स नहीं, मल्टीपल डिवीजन ये सब नहीं, आगे चल के जो हम इंटीग्रल्स कैलकुलस डिफरेंशियल कैलकुलस मैट्राइसिस डिटर्मिनेंट वो सब उसके अंदर है। जब मैंने खुद, मेरा स्कूल में पढ़ाते ही नहीं, जब मैंने जब पहली बार देखा मैं खुद आश्चर्य में पड़ गया कि भाई ये इतना सारा नॉलेज तो हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी था, ये सारी थ्योरम्स और ये सारे फॉर्मूलाज हम पाइथागोरस और इन सब के नाम से क्यों पढ़ रहे हैं? मूर्ख है ना। जिन लोगों के हाथ में बागडोर आई उन्होंने वेदों को हटा करके अंग्रेजों की शिक्षा हमें दी। इसी कारण से हम लोग जो है ना, जब किसी को फॉलो करते हैं ना तो हम उनसे आगे नहीं निकल सकते। हम अंग्रेजों को फॉलो कर रहे हैं ना, हम उनसे आगे नहीं निकल सकते कभी भी। लेकिन जब वास्तविकता का पता चलेगा, देखो नासा एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका की एक नासा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग दुनिया के आते हैं। उसमें हमारे मठ के एक बहुत बड़े महाराज हैं, उनका नाम है डंडी महाराज जी, भक्तिवेदांत श्री डंडी महाराज, वो उसमें साइंटिस्ट थे। वो बताते हैं कि अगर नासा ठीक ठीक रूप में बता दे कि वेद और ये धरती चल किस प्रकार से रही है और ये कौन सा जो रिलीजन है या कौन सी जो संस्कृति है वो एकदम परफेक्ट अगर नासा ठीक ठीक रूप में बता देना, ये ईसाई मुस्लिम सब उस दिन खत्म हो जाएगा। इतने वैज्ञानिक तरीके, सबसे ज्यादा रिसर्च दुनिया में अगर किसी लैंग्वेज में चल रही है संस्कृत पे, क्योंकि उसको समझना कठिन है। संस्कृत के अंदर गुड़ से गुड़ रहस्य को छुपाया जा सकता है, व्यक्ति सीख भी लेगा तो समझ नहीं पाएगा इसका क्या अर्थ है। उसके अंदर जैसे एक सीक्रेट कोड्स होते हैं ना, तो कोड्स के रूप में ज्ञान को छुपाया हुआ है। केवल जो योग्य व्यक्ति उसको निकाल करके इस सृष्टि के रहस्य को जान सकता है। बड़ी मिस्टिकल नॉलेज है। आप लोग अगर कभी पढ़ेंगे, आप लोग एनर्जी इसमें इन्वेस्ट कीजिए अपनी थोड़ी बहुत। देखो मैं एक और उदाहरण आपको देता हूँ, आप ये वाला उदाहरण आप सबको समझ में आ जाएगा, सिंपल है। आप सभी ने, जो छोटे बच्चे उन्होंने तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जो 9th-10th तक बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस सबने पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, हाँ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल से जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, CO2 को इनहेल करते हैं और क्या एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, जिससे क्या होता है ऑक्सीजन का परसेंटेज दुनिया में बना हुआ रहता है ना, ये 21% शायद ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 21% तो नाइट्रोजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का लेवल बना रहता है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या पेड़ जो है वो 24 घंटा ही ऑक्सीजन देते हैं? हाँ, वेरी गुड, ये बच्चा सही बोला, इसके ताली बजाओ। क्या नाम है इसका? पार्थ भाई, तो पार्थ ये सचमुच जानता है। सारे पेड़ 24 घंटा ऑक्सीजन नहीं देते, रात में क्या देते हैं, क्यों? क्योंकि सनलाइट नहीं है। सनलाइट नहीं होने से रात में पेड़ क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए हमारे भारत में क्या बोलते हैं, रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, सुना है? और लोग इसका पालन करें इसलिए क्या बोल देते हैं, पेड़ के नीचे मत सोना, पेड़ पे भूत है, ऐसे बोल देते हैं ना। लेकिन उसके पीछे विज्ञान है। अरे CO2 छोड़ रहा है पेड़, तुम सोच रहे हो ऑक्सीजन दे रहा है, उसके नीचे सोओगे सुबह हमारे मिलोगे, इसलिए पेड़ से दूर सोना चाहिए रात में। लेकिन अब इसमें आश्चर्य क्या है, आश्चर्य यह है कि भारत के लोग कितने वैज्ञानिक है, अब पता चलेगा। सारे पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देते, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, ये पौधे ऐसे होते हैं जो 24 घंटा ऑक्सीजन देते हैं। उसमें से कुछ पेड़ों के नाम मैं आपको बताऊंगा, आप बताना मुझे क्या आप इनको जानते हो, पीपल, नीम, तुलसी, क्या इनके नाम आपने कभी सुने हैं? भारतीय लोग इन पेड़ों के साथ क्या करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनको घरों के आसपास लगाते हैं, लगाते कि नहीं लगाते हैं? इसका मतलब ये भारतीय लोग बड़े वैज्ञानिक रहे होंगे कभी। ये जो ऋषि मुनि जो आश्रम में रहते थे ना, ये जो ऋषि जो थे ना, ये ऋषि नहीं थे, ये सब रिसर्चर्स थे बड़े बड़े, ये रिसर्च करते थे आश्रम में रह करके। और सारी रिसर्च कौन से ऋषि ने कब, ये दालों की रिसर्च हुई, अनाजों की, सब लिखा हुआ है शास्त्रों के अंदर, कैसे बनाया है, रिसर्च से सब बना हुआ है, रिसर्च करके बताया गया है। ये जो तुलसी है ये रात में भी क्या देती है, ऑक्सीजन देती है। इसलिए हम आंगन में क्या लगाते हैं, तुलसी लगाते हैं। घर के आसपास पीपल का पेड़ बड़ा शुभ माना जाता है, वास्तुशास्त्र पढ़ाए किसी ने? घर के आसपास पश्चिम में विशेष करके अगर पीपल का वृक्ष हो तो बड़ा शुभ माना जाता है ये पीपल का वृक्ष। कितने वैज्ञानिक भारत के रहे होंगे लोग, आप सोच करके देखो।
क्या हम लोग कभी इस दृष्टिकोण से देखते हैं? हम लोग देखते ही नहीं है। क्यों? हमें तो जैसा दिखाया जा रहा है हम तो वैसा ही देख रहे हैं। हमें तो स्कूल में जैसा पढ़ाते हैं हम वैसा ही पढ़ लिया। पोथी पढ़ पढ़ के, इतनी सारी बुक्स पढ़ पढ़ के, रट रट के एग्जाम्स दे दे के रट्टू पोपट हो गए सब। लेकिन इस सृष्टि कैसे बनी है? एक बार इस्कॉन के फाउंडर थे, उनका नाम इस्कॉन के फाउंडर हमारे महाराज, उनका नाम है श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी। उनसे किसी ने पूछा एक बार कि आप मुझे एक बात बताओ, ये साइंस इतनी सारी रिसर्च कर रहा है, इतनी सारी इन्वेंशंस हो रही है, आप कहते हो कि साइंटिस्ट लोग सब मूर्ख हैं? तो ये इतनी सारी रिसर्च हो रही है और साइंस इतना सब कुछ प्रूफ करके दिखा रहा है, तो आपका क्या कहना है साइंटिस्टों के बारे में, वो कि बुद्धिमान है या मूर्ख है? वो कहते हैं दिस पीपल आर रास्कल्स। बोला ये लोग मूर्ख हैं। बोला क्यों? क्यों मूर्ख? बोला एक मुझे बात बताओ, कोई भी इन्वेंशन होती है वो कैसे होती है? इस दुनिया की कुछ चीजें लेकर के ही तो इन्वेंशन होती है। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। कोई बाहर से तो कुछ लेकर के नहीं आया, सब यहीं पर है। स्वामी महाराज जी बोले जिसने ये सारे एलिमेंट्स प्रोवाइड करा रखे हैं, ये सारी दुनिया के अंदर जितने आयरन ओर्स जमीन से निकल रहे हैं, जितनी सारी गैसेस हैं, जितने सारे एलिमेंट्स हैं, इनको जो प्रोवाइड कराने वाला है, नो अबाउट दैट पर्सन इज द बिगेस्ट साइंस। और साइंस उसको नहीं मानता है। मानता है क्या? नहीं मानता है। क्या मृत्यु के बाद साइंस मानता है क्या होता है? नहीं मानता है। अगर मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता तो ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे है? मेरे तो कुछ, मैं तो जाता हूँ ऑफिस में, कुछ मेरे दोस्त हैं वो मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, वो बोलते हैं कि जो भी है ये शरीर है, इसके मरने के बाद कुछ भी नहीं है, रीइंकार्नेशन कुछ नहीं होता, पुनर्जन्म वगैरह कुछ नहीं होता, कर्म वगैरह कुछ नहीं होता। मैंने उनसे बात बोला, भाई कुछ नहीं होता तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, मैं पहली बार ही बना हूँ ना? वो बोले हाँ, इसके पहले तुम नहीं थे और इसके बाद भी आप नहीं होगे, बस अभी हो। मैंने बोला एक बात बताओ, मैं पहले नहीं था, बाद में नहीं होऊंगा, और भगवान तो सबके लिए बराबर होते हैं, अल्लाह है ना, जो भी हैं वो लोग तो यहोवा बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट तो एक फरिश्ते हैं, हाँ एक प्रीस्ट हैं, और भगवान तो यहोवा बोलते हैं, अल्लाह जो भी, मुस्लिम तो क्रिश्चियनिटी एक ही है, अलग अलग नहीं है, वो दिख रहा अलग है लेकिन है एक ही दोनों की फिलॉसफी। मैंने पूछा भगवान तो सबके लिए बराबर होते हैं, तो आप एक बात बताओ, मैं पहले नहीं था तो किस आधार पे मेरा जन्म तो एक साधारण परिवार में हुआ है, हाँ, और एक धीरूभाई अंबानी का पुत्र ले लो, उसका तो बड़ा रिच फैमिली में जन्म हुआ है, और भी नीचे चले जाओ, हाँ जिम्बाब्वे वगैरह देखो, जो साउथ के, साउथ अफ्रीका के कैसे कैसे देश है जहाँ खाने को ही नहीं है बच्चों को, वो भूखे मर रहे, एकदम खाल चिपकी हुई है हड्डियों से, खाने को एक दाना नहीं, और यहाँ पर देखो तो बच्चों के चार चार पाँच पाँच सोने चांदी के चम्मचों से खिलाया जा रहा है, बच्चा खा नहीं रहा है। भगवान तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, तो बताओ फिर किस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है? अभी तो उसने कुछ पाप पुण्य नहीं किया है बच्चे ने, कोई आंसर नहीं है। पूछो जाकर के उन लोगों से कि भाई तुम इतना धर्म इतना करते हो, धर्म के लिए इतने लोग मार दिए तुमने, इतनी बड़ी बड़ी तुमने अलकायदा ये सब बना दिया, सारी दुनिया का सत्यानाश कर दिया, अशांति फैला रखी है, पूछो जरा जाकर के किस आधार पे आप लोग जो है ये सब लेकर के चल रहे हो? कोई आधार नहीं। लेकिन भारतीय संस्कृति में देखो, सब चीज के बारे में अगर आपको जानना है सृष्टि कैसे बनी, तो भागवत के आप तृतीय स्कंध में जाकर के पढ़ो, जहाँ पे देवहूति, जो कपिल मुनि जो है माता देवहूति को पूरी सृष्टि कैसे बनी, उसका सृष्टि की रचना पूरी बता रहे हैं वहां पर। अब एक और आश्चर्यजनक बात सुनो, एक और बात देखो, भागवत कितनी सत्य है, कितनी सत्य है देखो, ये भागवत गीता का ज्ञान कितना सत्य है। जब बच्चा पेट में होता है कितने महीने होता है? 9 महीने होता है। बायोलॉजी पढ़ी होगी आपने, सब बुक में फोटोज वगैरह देखी होगी, बच्चा पहला दिन कैसा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, 14th डे है ना, 30 दिन, फिर उसके बाद ऐसे करके 54 डे, ऐसे करते करते पूरी 9 मंथ्स की साइकिल आपने देखी होगी ना बच्चों, सबने बुक में देखी है ना, ये कब आया है, ये फोटोज वगैरह कब आई है? मुझ ज्यादा से ज्यादा भी लगाओ तो 100 साल, कितने साल, 100 ईयर्स, चलो 200 ईयर्स लगा लो। क्या उसके पहले ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स थे कि अंदर पेट में देख पाए हम कैसे होता है? कुछ था ऐसा? कुछ था? कुछ नहीं था। लेकिन देखो ये भागवत पढ़ रहे हैं, आप आना बाद में, ये भागवत के अंदर ही आप पढ़ना, इसके अंदर जो कपिल देव बता रहे हैं एज इट इज, जैसा कैमरे में दिख रहा है एज इट इज यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे बताया कि मेंढक के उसके जैसा होता है, टैटपोल की तरह होता है, सब इसके अंदर लिखा हुआ है। आपको इतना आश्चर्य, कब लिखी गई है भागवत?
लगभग 5000 साल पहले। तो 5000 साल पहले जो व्यक्ति भागवत लिख रहे हैं, इसका मतलब उनको सब पता है। क्या है सब पता है? आपको सब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? हमारे शास्त्र जो व्यक्ति लिख रहे हैं वो कितने महान वैज्ञानिक होंगे। महान वैज्ञानिक तो छोड़ो, स्वयं भगवान सब कुछ जानते हैं, वेद व्यास स्वयं भगवान है। लेकिन हमारे ऐसे शास्त्रों में विश्वास बिल्कुल भी नहीं होता। अभी हम किसकी कथा सुन रहे थे? अभी आखिरी में हमने किन की कथा सुनी? पितामह भीष्म की कथा सुनी। पितामह भीष्म की कथा में भी एक भयंकर साइंस छुपा हुआ है। आप में से सब ने एक एनर्जी का लॉ ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा। लॉ ऑफ एनर्जी क्या होता है, क्या कोई बताएगा? लॉ ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना? सबने सुनी है ना ये एनर्जी। अब ये लॉ है, लॉ माने सब पे एप्लीकेबल होना चाहिए। अब ये बॉडी तो ये मटेरियल बॉडी है, ये तो मर जाएगी, लेकिन इसके अंदर से क्या निकलेगी? आत्मा। क्या निकलेगी? आत्मा। आत्मा क्या है? एक एनर्जी तो है, एनर्जी एक शक्ति, भगवान की शक्ति, है ना? भगवान की जो तस्थ जीव शक्ति का वो अंश, वो आत्मा, वो भी एक एनर्जी है। उसके ऊपर भी ये लॉ लगता है, और लॉ किस में लिखा हुआ है? गीता के अंदर। निकालो, बसांसी जीर्णानी यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देही। जिस प्रकार मनुष्य, भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं अर्जुन को, जिस प्रकार मनुष्य क्या करता है, एक कपड़ा छोड़ करके क्या पहनता है, दूसरा कपड़ा पहनता है, ठीक उसी प्रकार ये आत्मा भी जो है एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर लेती है। क्या ये विज्ञान नहीं है? लेकिन हमने इस दृष्टिकोण से कभी देखा ही नहीं। इसीलिए अब प्रश्न ये उठता है कि वो जो नया शरीर जो धारण करेंगे वो किस आधार पे होगा, है ना? नया शरीर धारण करेंगे वो किस आधार पे होगा? बताते हैं, जब ये मनुष्य शरीर मिलेगा, सारा जीवन जो हम करेंगे और अंत समय में जो भी हमारे मन बुद्धि अहंकार चित्त में जैसी भावना होगी उसी के अनुरूप हमारा अगला जन्म हो जाएगा। भगवान गीता में कहते हैं यम स्मरणम भावम त्यजते अंत कलेवरम तम तमे वैतीय कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। जैसा जैसा हमारा भाव, जैसा जैसा हमारे सोच में जो आएगा वो ही उसी के अनुरूप हमारा अगला जन्म हो जाएगा। इसीलिए हमें सारा जीवन ऐसे काम करने चाहिए कि जो एंड में याद आए। ऐसा नहीं कि सारे जीवन पाप उल्टा पुल्टा खाना मांस मछली लोगों का बिल्कुल हनन कर दिया। जानवर भी होता है ना, एक दो प्रकार का मांस खाता है, देखा है आपने? लेकिन मनुष्य क्या कर लेता है, सब कुछ खा जाता है। क्या खा जाता है? कुछ नहीं छोड़ रहा। ये कोरोना तो गया, देखा कैसे खा रहे थे वो सूप, कैसे ऐसे खा रहे थे, खतरनाक खतरनाक जानवरों को खा रहे, सांप का सूप, चमगादड़ का सूप, बाप रे बाप। अभी भारत में भी खाएंगे अभी 40-50 साल बाद, ऐसी बात नहीं है, अभी खाएंगे, अभी तो थोड़ा बहुत खा रहे हैं, बाद में ये भी खाएंगे। क्यों? हम लोग संस्कृति से दूर जाते जा रहे हैं। इसलिए पितामह भीष्म क्या कर रहे हैं, अंत समय में क्या कर रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। ये तो शिक्षा है, यही तो शिक्षा है भागवत की, जो सूत्र भगवान गीता में बता रहे हैं उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भागवत में है। भागवत बहुत श्रेष्ठ ग्रंथ है, लेकिन अगर हम इसको साइंस का चश्मा लगा करके अगर देखेंगे ना, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए तो ये रिसर्च का मटेरियल है, रिसर्च करने का मटेरियल है, एक एक शब्द में चमत्कार भरा हुआ है। इसलिए अगर हम इसको पढ़ें, पितामह भीष्म क्या कर रहे हैं अंत समय में, हाँ, किसको याद करे, सदा देव देव भगवान प्रतीक्षताम कलेवर यावद दंतविनम। अंत समय में किसको याद कर रहे हैं, भगवान को, और भगवान में अपनी मति को लगा रहे हैं। जब हमारे संसार के लोगों में मति लगाएंगे ना तो वापस संसार में आना पड़ेगा, लेकिन जब भगवान में मति लगेगी तो यहाँ से हम पार हो जाएंगे। ये सब ज्ञान इसके अंदर छुपा हुआ है। हम पहले क्या थे, क्या होंगे, सब हमारे हाथ में है। जब तक ये शरीर है हम कर सकते हैं। इसलिए ये बिल्कुल मत समझना कभी भी कि जो हमारे वेद पुराण शास्त्र है ये मनोकल्पित हैं, या जो लोग अनपढ़ गंवार जिनको कोई काम नहीं वो ये सब पढ़े। हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हम तो बहुत पढ़े लिखे, वी डोंट हैव टाइम, हम नहीं पढ़ेंगे। हम तो हमारा जो काम है वो काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, और फिर हम लोग जाकर के उल्टा पुल्टा खाएंगे, और फिर जिसको हमने खाया बाद में वही हमको खाएगा। समझना पड़ेगा, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
सिंफुल एक्टिविटीज के सिंफुल रिएक्शन ही आने वाले हैं। अगर हम सोचे कोई नहीं देख रहा तो देख रहा है, इसलिए बहुत सावधान होकर के हमें इस कथा को श्रवण करना चाहिए और जो शिक्षा हम ले सकते हैं अभी लेना चाहिए। और जो प्रश्न मन में जो प्रश्न आएंगे कि भाई ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है, भारत के अंदर जो आप देखते हो शादी ब्याह की जो यहाँ पे रीति रिवाज है, कैसे त्यौहार यहाँ पर आते हैं, किस प्रकार से हर एक त्यौहार में अलग अलग चीज़ों का रिवाज होता है ना भारत में अलग अलग, और अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग, सब ऋतुओं के अनुसार है। अभी कौन सी ऋतु चल रही है, ऋतु के अनुसार खान पीना होता है, ऋतु के अनुसार त्यौहार आते हैं, ऋतु के अनुसार कपड़े आते, सब कुछ ऋतु के अनुसार। भारत इतनी महान संस्कृति है, अगर कोई भारत की संस्कृति को समझ जाए ना तब उसको पता लगेगा कि भाई जितनी भी क्रिया भारतीय संस्कृति में उसके तीन बेनिफिट्स है। कितने बेनिफिट्स है? तीन। एक तो बेनिफिट है उसका कमर्शियल, मतलब उसका फाइनेंशियल बेनिफिट, हाँ समाज के अंदर पैसा किस प्रकार से चले। दिवाली आती है आप देखते हो ना मार्केट चलता है कि नहीं चलता है, शेयर मार्केट उठने लगता है, शेयर मार्केट तो आज आया है। ऐसा फेस्टिवल बनाया है भारत के अंदर कि एक रुपए की जिसकी इकोनॉमी है, दिया बेचने वाला उससे लेकर के जो करोड़ों रुपए के बंगले बेच रहे उस तक का बिजनेस चलता है। क्या दुनिया में कोई त्यौहार है ऐसा वाला? कोई त्यौहार नहीं है। ये गठन किए गए हैं, ये बड़े बड़े ऋषियों ने इन सब सब व्यवस्थाओं को बनाया है। इसीलिए आप लोग इस प्रकार से समझने की चेष्टा करें और कभी भी ये मत सोचो कि ये गीता भागवत सब झूठा है, मम्मी बूढ़ी हो गई हैं, पापा बूढ़े हो गए हैं, अब ये लोग बैठ करके इसको सुनेंगे, आधा सुनेंगे आधा सोएंगे, हमारे लिए नहीं है, ऐसा मत सोचना। और इसको जितना हो सके समझने की कोशिश करना। आप सब भी गीता भागवत अपने घर में ले जाओ पढ़ो, जो लैंग्वेज में चाहिए उस लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल है, फ्रेंच पढ़ते हो, जर्मन, जो लैंग्वेज चाहिए सभी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसलिए आप लोग सब गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, तभी जाकर के जीवन का वास्तविक मूल्य क्या है, हम लोग क्यों आए हैं इस दुनिया में, तब पता चलेगा। वरना वही खाना पीना सोना और मर जाना, वो बाहर देखो सब यही चल रहा है दुनिया में। जितने भी जीव है देखो, जो लॉ होता है ना यूनिवर्सल होता है। भगवान ने गीता, भगवान क्या कह रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुनंच, ये चार काम है। क्या आहार, आहार माने निद्रा माने भय माने, भय माने क्या होता है, फियर डर, हा? और मैथुन माने अपने जैसे दूसरे पैदा करना। सारी दुनिया में यही चल रहा है, एक चींटी से लेकर एक हाथी से लेकर मनुष्य से लेकर जितने जानवर आप देख रहे हो दुनिया में सब यही काम कर रहे कि नहीं कर रहा, बताओ क्या कोई इससे बाहर है? कोई भी बाहर नहीं है। लेकिन उसमें एक बताया कि मनुष्य के पास एक विडो पावर है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। लेकिन मनुष्य के पास में एक विशेष उसके पास में पावर है, ये जानवर कुछ नहीं कर सकते, ये मजबूर है भोगने के लिए। लेकिन मनुष्य क्या कर सकता है, जिज्ञासा कर सकता है कि भाई मैं कौन हूँ, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वेद वाक्य, और उसको पालन करके जानने की कोशिश कर सकता है, चेष्टा कर सकता है, ये गीता भागवत पढ़ सकता है, साधु संग कर सकता है, भजन करके यहाँ से निकल सकता है इस जेल से, तब तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है। वरना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए सावधान होकर के हमें कथा को सुनना चाहिए और ये गीता भागवत को अपने जीवन में उतारेंगे, जितने लोगों से हम मिलेंगे उनको भी मोटिवेट करेंगे इसके लिए, सचमुच में मोटिवेट करेंगे। आप करके तो देखो, आप पढ़ के तो देखो, और कोई क्वेश्चंस आए तो गुरु जी हैं, हम लोग हैं, हम लोग बताएंगे भाई ये कैसे होता है, क्वेश्चंस तो आए। देखो अर्जुन ने प्रश्न पूछे तो कृष्ण ने उत्तर दिए ना, पूरी गीता बन गई। परीक्षित महाराज जी प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर कौन दे रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी, वो भागवत बन गई, सब प्रश्न उत्तर, विदुर मैत्रीय संवाद, सुख सौनक संवाद, सारे संवाद एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर राउंड चल रहा है। इसलिए आप लोग भी क्वेश्चन पूछो, और गुरु जी हैं, वैष्णव हैं, आंसर देंगे, हो सकता है कोई ग्रंथ बन जाए, ठीक है। इसलिए आप लोग सब शास्त्रों को माने और उसका पालन करें, अपने जीवन में उतारें, ये मत सोचे कि मनगढ़ंत है। अमृत जीवन इतना अनमोल मनुष्य भारत में जन्म मिल गया, मनुष्य का जन्म, मनुष्य शरीर वो भी भारत में, ये कितने शास्त्र, भारत में जन्म होना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और भक्ति उसमें कोई बन जाए, शिव जी पार्वती से कहते हैं, धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भव धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् हरि भक्त तव। ये वसुधा धन्य हो जाएगी, कुल गोत्र धन्या माता पिता धन्य, सब धन्य धन्य हो जाएंगे, कौन, अगर उनके घर में एक हरिभक्त वहां पर जन्म ले ले।
इसलिए आप लोग सब हरिभक्त बनिए और लोगों को भी मोटिवेट कीजिए, बस यही आप सबसे प्रार्थना है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु है वचन पति एक एक भजन गा लो, एक भजन गा लो। मन बस गयो नंदी किशोर, मन बस गयो नंदी किशोर, अभी जाना नहीं कहीं आप सरो सकता है जो जो सुखी हो, दुखी व्यक्ति नाच नहीं सकता है, वो तो चुपचाप चुपचाप बैठ रहेगा। जिसका अंदर में इतने आनंद हो और इतने आनंद ऊपर लग जाए जो हृदय में नहीं रह सके और उसको ऊपर निकाल दे, तभी एक व्यक्ति नृत्य कर सकता है। और देखो एक छोटी सी कथा सुनो, ठाकुर का कीर्तन में नाचने का क्या महत्व है, ये पुराण की कथा है। बोले एक समय दीपावली आती है ना, ठाकुर को सामने किसने दिया जलाया कार्तिक महीना में, और वो दिया जल रहा था, जलते जलते धीरे धीरे वो दिया बुझने जा रही थी। एक चूहा ने वो तेल खाने का लोभ से पहुंच गया, जब वो तेल पी रहा था वो दिया बुझने जा रही थी, उसको दांत में लग गया बत्ती। बत्ती लगते ही वो चूहा पीछे हटा, हटते ही वो दिया जो बुझने जा रही थी वो दिया हो गया तेज, और उसको मुँह में थोड़ी आग लग गया, दो चार बार उसने छलांग लगा दी। देखो ठाकुर कितने दयालु, बोले देखो कार्तिक महीना बड़ा पुण्य महीना है और ये दिया बुझने जा रहे थे, उसने मानो दिया को तेज कर दिया हैं, और तेज करके मानो मेरे को उसने आरती उतारा और दो तीन बार छलांग लगा दिया, मानो आरती उतारते हुए मेरे सामने उसने नृत्य किया। फल क्या हुआ, अगली जीवन में इतना कर्म से अगली जीवन में वो राजकुमारी बनकर के जन्म हुई, राजा के घर में बेटी, उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम रहा। फिर प्रभु की भक्ति करते करते कृष्ण अपना गोलोक वृंदावन में अपना पटरानी ठाकुर ने बना दिया। देखो एक चूहा अनजान में दो चार बार फुदकने पर छलांग लगाने पर इतना लाभ, अगर कोई भाव से अगर ठाकुर को सामने नृत्य करे जैसे मीरा नृत्य करती है हैं, फिर तो ठाकुर जी क्या देंगे ना, आप सोच नहीं सकते हो। घर में धन दौलत सब कुछ, घर में समृद्धि होगा। पुराण में बताया जो ठाकुर को सामने नृत्य करता है भगवान का धाम में अथा ऐश्वर्य की उसको प्राप्ति होती है, उसका जस की प्राप्ति होती है जो ठाकुर के सामने नृत्य करता है। देखो हम सभी नाच रहे हैं, बताओ कौन नहीं नाच रहा है, कोई पत्नी को सामने नाच रहा है, कोई पति को सामने, कोई जेठ को सामने, कोई सास को सामने, कोई पैसा को सामने, कोई परिवार को सामने, कोई बेटी को नाच रहे कि नहीं, दुनिया नाच रहे हैं सबके सब, क्यों नाच रहे हैं, चूंकि हम ठाकुर के सामने नहीं नृत्य किया है, ठाकुर को सामने नहीं नाच रहे इसलिए सबके सामने नाच रहे हो। अगर ठाकुर को सामने नाचोगे ना सारे नाचना तुम्हारी बंद हो जाएगी, अगर ठाकुर को सामने नहीं नाचेंगे तो फिर तो सभी को सामने नाचना पड़ेगा, फिर तो 84 लाख योनि में
नाचना ही पड़ेगा। इसलिए देख लो अभी ठाकुर के सामने नाचोगे ना दुनियादारी के सामने, इसलिए एक बार सबके सब खड़े हो जाओ, सब बैठे नहीं एक बार खड़े हो जाओ सबके सब, हाँ खड़े हो जाओ, शर्म नहीं करना। हाँ बोलो प्रभु जी। अभी हमारे गुरु जी आपको साइंस में कथा सुना रहे थे, तो आपको एक साइंस का रीजन बताऊं कि आप रामदेव बाबा का योगा करते ना, यदि भगवान के कीर्तन मानते हो तो योगा करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मन बस गयो नंदी किशो अब जाना नहीं कहीं और, चलो I'm gonna make you mine।
जय जय श्री राधे। हाँ सब बैठ बैठ जाओ, सब थक गए हम सब। हाँ देखो, कल है भागवत कथा में ठाकुर जी कल जन्म लेने वाले भगवान, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन मेरा जन्म नहीं है, मैं अज्ञ हूँ, लेकिन मैं जन्म लेता हूँ। बोले क्यों जन्म लेते हैं? बोले भक्तों के ऊपर में कृपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए हैं, इसलिए अजन्मा होते हुए भी ठाकुर जी जन्म ग्रहण करते हैं। इसलिए कल अजन्मा ने कल जन्म लेगा। और जब मैया जसोमती गर्भ धारण की, जितने ब्रज की गोपियाँ थी वो छः छः महीना पहले 84 गज के लेह का चुंदरी बना करके रखे। बोले मैया जसोदा का लाला होगा ना, हम इसको पहन करके हम सबके सब बधाई देने जाएंगे। और जितने गोप लोग थे, बगलबंदी धोती पगड़ी बना करके रखे। बोले लाला की जन्म उत्सव में हम पहन करके हम बधाई देने के लिए जाएंगे। इसलिए कल ठाकुर जी जन्म लेने वाले हैं, इसलिए जितने आप लोग भाई और माताएं, जितने माताएं आप लोग भी 84 गज के लहंगा चुंदरी पहन कर गए। और जितने शादी का समय का जितना कपड़ा है ना, सब अलमारी में खराब हो रहा है, इसलिए उसको सब निकालना। क्योंकि जो कल ठाकुर जी जन्म होंगे ना, जैसे हम शादी में जाते हैं, हैं कहीं कितना बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके जाते हैं, कल तो ठाकुर स्वयं जन्म लेने वाले, तो कितने बढ़िया कपड़ा पहननी चाहिए। इसलिए शादी का सारे कपड़ा पहन निकाल लेना और पहन करके, और कोशिश करना हो सके तो अगर पीला रंग का कोई कपड़ा हो, क्योंकि जो राधा रानी का अंग का तो पीला रंग है, हैं, इसलिए हो सके तो कृष्ण सबसे ज़्यादा राधा रानी को प्रेम करते हैं, इसलिए राधा, इसलिए कृष्ण का कपड़ा का रंग पीला रंग है, हैं, इसलिए अगर हो पीले रंग के कपड़ा करो तो बहुत अच्छी, अगर नहीं हो तो बढ़िया बढ़िया जो कपड़ा है सबके सब सद्धब जगर के गोपी बन करके सबके सब कल बधाई देने के लिए आना, ठीक है। बोले श्री नंद के लाला की। और जो भाई लोग जो पुरुष लोग हैं, अगर धोती कुर्ता हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये धोती कुर्ता नहीं हो, हैं, फिर तो कुर्ता पैजमा पहन करके सफ़ेद रंग का अगर हो उसको पहन करके, जैसे श्री ब्रजवासी लोग बधाई देने गए थे, सद हज करके आना। और कल यहाँ पर बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, जोर से बोलो जय कन्हैया लाल की। बड़े धूमधाम से हम कल यहाँ पर उत्सव मनाएंगे, ठीक है। हाँ, अभी ये बच्चा आपको भी हाँ थोड़ी सी कथा सुनाएंगे। ये जो कथा सुनाएंगे, मतलब जिस समय भगवान जगत को सृष्टि करना चाहते हैं, सबसे पहले भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी जन्म हुए। ब्रह्मा जी चारी तरफ में देखा तो पानी पानी, उनने देखा मैंने कहाँ से मैंने आया है। कमल नाड़ में उन्होंने पता लगाया, कितने हजार साल तक पता ही नहीं पड़ा मैं कहाँ से आया हूँ। फिर उनको व्यंजन वर्ण का दो अक्षर सुनने को मिला, एक त और एक प। मतलब भगवान ने कहा तुम तपस्या करो। जब उन्होंने तपस्या की, भगवान बोले ज्ञानम में परम गुह्यम जद विज्ञान समन्वितम सह रहस्यांच तदगंच गृहणम गदितम मैया। भगवान उसको दिव्य ज्ञान प्रदान किया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को उन्होंने आदेश दिया ये सृष्टि का क्रम को धीरे धीरे ये सृष्टि का क्रम को बढ़ाओ। लेकिन हमारे साइंस क्या बोलता है जानते हो? कहते हैं पहले हमारे जो पूर्वज हैं सब बंदर थे, हम सबके सब बंदर से इंसान हो गए। लेकिन हमारे गुरु वर्ग कहते हैं कि जो डार्विन का ये थियोरी है, हमारे जो गुरु जी कहते ये डार्विन का जो पूर्वज है ना सब बंदर थे, लेकिन हमारी पूर्वज कोई बंदर नहीं थे, हमारी पूर्वज इंसान थे, हमारी पूर्वज इंसान थे। लेकिन डार्विन क्या कहता है, उसका पूछ कटते 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 ख़त्म हो गया और बन गया इंसान। अभी कितने सारे बंदर घूम रहे हैं, कोई बंदर अभी इंसान बन रहा है क्या? जैसे उसका पूछ कटते 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 जब बीच का भाग कहाँ गया जो पूछ कटते कटते आया है? इसलिए हम लोग कोई भी बंदर से नहीं हुए हैं, हम सबके सब भगवान से हुए हैं, हम ठाकुर जी से हुए हैं, हैं। इसलिए कहते ना तुम्हें माता च
कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं पिता अहम अस्य जगत धाता माता पितामह। कृष्ण स्वयं कहते हैं जगत का पिता माता भाई बंधु मैं हूँ। इसलिए एक बंदर को लाओ, अभी बंदर को साथ में तुम्हारी चेहरा मिलाओ, मिलेगा मिलेगा चेहरा कोई भी अंग। एक समय साइंटिस्ट ने केवल ब्रेन को चेंज करने के लिए कोशिश किया और बंदर का ब्रेन इंसान में लगा दिया ना, इंसान बंदर जैसे छलांग लगाना शुरू कर दिया। उसका एक पार्ट्स भी आप उसको लगा नहीं सकते हो। जैसे तक भगवान कृष्ण है, तुम्हारे चेहरा को चेहरा मिलाओ, भगवान कृष्ण का नाक जैसे तुम्हारी नाक वैसे, इनका दो हाथ तो हमारे भी दो हाथ, उनको भी दो प्यार हमारे भी दो प्यार, इनका भी 32 दांत हमारे भी 32 दांत, उनकी जैसे आँख हमारी जैसे आँख, क्या बंदर जैसे हमारी आँख है? बताओ कौन सा अंग उनको साथ में मिल रहा है? कोई भी इनका अंग उनको हमारे साथ में नहीं मिलता है। इसलिए देखना ब्रह्मा जी भगवान से ब्रह्मा हुए उनका बेटा, फिर वहाँ से सृष्टि शुरू हुई, वहाँ से सृष्टि शुरू हुई, सृष्टि शुरू हुई तो इसलिए भगवान को साथ में हमारा चेहरा मिलता है। तुम्हारी गोत्र क्या है रूबी? बोलो गौर। गौर गौर गौर। और तुम्हारी क्या गोत्र है माता जी? तुम्हारी क्या गोत्र है? और तुम्हारी क्या गोत्र है माता जी? तुम्हारी हाँ पार्टी। और तुम्हारी गोत्र अब देख लेना, सभी का गोत्र पूछ लो, एक अच्छी भी जाते हैं हम देखना किसका वशिष्ठ किसका पराशर किसका व्यास, हमारे सब गोत्र है। ये गोत्र कहाँ से आया बताओ? जब जब पूजा होता है ना देखना गोत्र को साथ में, गोत्र कहाँ से आए? ब्रह्मा जी उसी समय में जो संतान को उन्होंने सृष्टि की, जिस ऋषि से हमने आया है, इसलिए हमारे भारत में सभी का गोत्र नाम है। इसलिए हम बंदर से नहीं आए। मरने से पहले डार्विन ये बात बोल कर गया, बोले मेरे को सरकार ने जोर जबरदस्ती मेरे को बताया था तुम ये प्रूव करके दिखा दो हम बंदर से आए। बोले क्यों? बोले लोगों को नास्तिक बनाने के लिए लोगों को। लेकिन डार्विन अंतिम समय बोल कर गया, उन्होंने क्या क्या गरिला और एक बंदर का खोपड़ी को मिला दिया, मिला करके बोले देखो कैसे धीरे 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 गया। लास्ट में खुद कहता है बंदर से इंसान नहीं बन सकता है, बंदर से इंसान नहीं बन सकता है, हम सब के सब भगवान से हुए हैं। आप कुरान पढ़ लो, आप बाइबल पढ़ लो, गीता पढ़ लो, गीता में कृष्ण क्या कहते हैं? ममई वांस जीव लोक जीव भूत सनातन। कृष्ण स्वयं कहते जो जीव है मेरे बच्चे हैं, कृष्ण कहते हैं। आप कुरान उठा करके देखो, कहते अल्लाह, वहाँ कहते अल्लाह इंसान को अल्लाह, वहाँ पर एक सूत्र है जो कुरान में लिखा हुआ है सूरतिया, मतलब भगवान अल्लाह ने अपना जैसे सूरत इंसान को दिया। अब बाइबल पढ़ कर देखो, बोले गॉड मेड, गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज, ये कुरान में ये लिखा हुआ, बाइबल में लिखा हुआ, हमारी किसी धर्म किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ, ये बंदर से इंसान हुआ। ये सब के सब भगवान से हम इंसान हुए, हम बंदर से इंसान नहीं हुए, सृष्टि कहता है। इसलिए भागवत में ब्रह्मा जी हैं भगवान के आदेश दिए, उन्होंने पहले चतुसन को उन्होंने सृष्टि की, भगवान आदेश दिया इस संसार का क्रम बढ़ाओ। उन्होंने बोले पिताजी हम तो प्रभु का भक्ति करते हुए जीवन में मस्त रहना चाहते हैं, परमात्मा भगवान को प्राप्ति करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी का क्रोध आया, बोले भगवान का आदेश सृष्टि बढ़ाओ, पहला सृष्टि कहते संसार नहीं करेंगे, उन्हें क्रोध आया। फिर उनको ललाट से शंकर जी रुद्रदेव प्रकट हुए, शंकर जी सृष्टि बोले सृष्टि करो, उनने भूत पिशाचों को सृष्टि करना शुरू किया। ब्रह्मा जी ने कहे बोले कोई सृष्टि है, अरे ऐसी सृष्टि करो जो संसार बढ़ सकते हैं। फिर उन्होंने कर्दम ऋषि को परछाई से सृष्टि किया, फिर उन्होंने अत्रि आदि जो ऋषि 10 पुत्र को उन्होंने सृष्टि की। फिर ऐसे ही धीरे 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 ये सृष्टि हुई। फिर ब्रह्मा जी अपना शरीर से वाम और डाहन शरीर से मनु और शतुरूपा को सृष्टि किए। जब सृष्टि की तब यही से सृष्टि हमारी प्रारंभ हुई। इसलिए ये मनु महाराज जैसे हम हुए हैं, इसलिए हमको कहते हैं मानव। क्या कहते हैं? क्यों? ये मनु महाराज से सृष्टि कर्म हुई है शतरूपा। फिर वहाँ से 3 बेटी आकुति देवती प्रसूत हुए, फिर 2 बेटे हुए उत्थान पात और प्रिय व्रत जब हुए, फिर धीरे धीरे यहीं से सृष्टि। पहले जो सृष्टि होती थी मन से, इतने शक्ति थी, लेकिन जो शारीरिक संबंध से जो संतान हुए ये मनु महाराज से हुए। और हम कैसे संसार में चलेंगे, पिताजी को साथ में क्या संबंध है,
माता जी को साथ में क्या संबंध है, भाई को साथ में क्या संबंध। इसलिए मनु महाराज ने एक ग्रंथ बनाई जिसका नाम कहते मनुस्मृति। ये मनुस्मृति में सब कुछ लिखा हुआ, हम घर गृहस्थी हम कैसे चलाएंगे, पत्नी को साथ में, बच्चों को साथ में कैसे व्यवहार करेंगे, हमारी संसार कैसे भगवान का धाम बन सकता है, सुख शांति में कैसे रह सकते हैं, ये मनुस्मृति में, क्योंकि मनु महाराज से सृष्टि हुआ इसलिए उन्होंने मनुस्मृति उन्होंने बनाई संसार को ठीक ठीक रूप में संसार को चलाने के लिए। इसलिए हम लोग कोई बंदर से नहीं हुए, हम कहाँ से हुए हैं, कहाँ से हुए हैं। लेकिन ये जो कहते ना बंदर से सृष्टि हुए, ये जो थियोरी हमारे भारत में पढ़ाई जाती लेकिन अमेरिका में नहीं पढ़ाया जाता है। आप पता लगा कर देखो, अमेरिका में नहीं ये थियोरी पढ़ाया जाता, हम बंदर से हुए हैं। जो देश धार्मिक देश है, शास्त्र केवल हमें ही बेवकूफ़ बनाया जा रही, अरे बच्चे लोग इसलिए धीरे धीरे नास्तिक बनते जा रहे हैं, भगवान को मानते नहीं, हम भगवान से हुए ही नहीं, हम तो बंदर से हुए, हमारा पूर्वज बंदर थे। इसलिए हमको नास्तिक बनाने के लिए, हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए इन लोगों ने सबके सब कोशिश किया। इसलिए आप लोग हमारे ग्रंथ को पढ़ो। अभी कैसे श्री मनु महाराज उत्थान पात और प्रिय व्रत हुए, जो उत्थान पात राजा हुए, कैसे उनको दो पत्नी थी सुनीति और सुरुचि, और कैसे ध्रुव और उत्तम कैसे जन्म हुए हैं, अभी हमारे ये बीच में ये बच्चे आपको इस विषय पर सुनाएगा। बोलो। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले मैं अपने परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ, तत्पश्चात परम गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणिपात करता हूँ, उपस्थित समस्त वैष्णव विद्युत वरिण्य जन आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। देखा आप लोग सोचोगे ये सब अनपढ़, जो भक्ति करने वाले ना अनपढ़ है, लेकिन ये बच्चे सब लिखे पढ़े बच्चे। तुम क्या पढ़े थे? हाँ बोला, बता दो। बोला इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करी है मैंने, तो डिपार्टमेंट में मैं सेकंड रैंकर हूँ उसमें। तो पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, गुरुदेव की आज्ञा है, आप ये बताइए हम अपने मैसेजेस एक दूसरे को कैसे ट्रांसफर करते हैं, मोबाइल वोबाइल गैजेट को हटा दीजिए, कैसे कैसे ट्रांसफर करते हैं? आया कहाँ से ये वर्बल और एक्सप्रेशन, दोनों बताया रूबी दीदी ने, आया कहाँ से ये? वर्बली बताता हूँ, वर्ड्स कहाँ से आए? वर्ड्स ऐसा नहीं है कि बहुत पुरातन से चलते आ रहे हैं, वर्ड्स जब से चलते आ रहे हैं इसका एक ओरिजिन है, ये कहाँ से आया है? वर्ड्स आया है भगवान शिव के डमरू से। भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाया, उससे व्याकरण प्रकट हुआ। रित्तावसाने नटराज राजो ननात ढक्काम नव पंचवारम उत्तुंग रक्तम नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराम महदभिर्हृदयांधकार। नव पंच बारम, नौ पांच को बताइए कितना हो गया, नौ और पांच कितना हो गया, नौ और पांच कितना, ऐड कीजिए 14। 14 बार डमरू बजाया, नव पंच बारम, शिवजी ने जब 14 बार डमरू बजाया तो उससे ये शब्दावली प्रस्तुत हुई है, इसी से ही शब्द की क्रिएशन हुई है, यहां से ही व्याकरण के सूत्र हुए हैं, और इन 14 शब्दों को लेकर के महर्षि पाणिनि ने पाणिनि व्याकरण के दिव्य दिव्य ग्रंथों की रचना करी है। अयोण रिलरिक येण अयोच, ये सब जो है श्री भगवान शंकर के डमरू से प्रकट हुए हैं, क्योंकि भगवान शंकर तो नटराज है और भगवान श्री कृष्ण नटवर वपु नटवच्चवर वच्चवपु। और दूसरा बताया रूबी दीदी ने एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कहां से आए? एक्सप्रेशन कम्स फ्रॉम द तांडव स्तोत्र ऑफ शिवजी। भगवान शंकर जब अपने तांडव कर जब तांडव प्रस्तुत करते हैं तो वहां से जिस एक्सप्रेशन जिस मुद्रा को प्रकट करते हैं जो वहां से प्राकट्य होता है उसका उसको कहते हैं मोहिनी अट्टम आट्य। मोहिनी अट्टम शुरू हुआ वहां से, और मोहिनी अट्टम आज हमारे विश्व के क्लासिकल डांस में से नंबर सेकंड पे आता है भरतनाट्यम के बाद। ये सब शिव जी से आया है, इस कारण से हमारा ओरिजिन देखो, हर एक श्लोक भागवत जी का, हर एक श्लोक साइंस से रिलेटेड है। यद्यपि मैं ज्यादा साइंस पे बात नहीं करता हूँ,
क्योंकि मूल का उपासक हूं मैं, भागवत जी के मूल का उपासक हूं, इस कारण से ज्यादा साइंस पे नहीं चलता। लेकिन अभी साइंस की बात हो रही थी तो मैंने सोचा कि चलो करके ही दिखा दूं कुछ। तो अभी बताया श्री गुरुदेव ने, तो देखिए अब मैं आपको एक जो बता रहा हूं ये आपके जीवन में बहुत लाभ करेगा। देखो हम लोग एक व्यक्ति, आप नॉर्मल इंसान की बात कर लिए, वो क्या चाहता है? कल गुरुदेव ने बताया था कि हमारी संतति सुख में रहेगी तभी हम लोग सुख में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अरे हमारे बच्चे दुखी हैं तो हम भी दुखी हैं, ऑब्वियस सी बात है। बस इसी सूत्र को ये कथा कहती है। उत्तानपाद हुए हैं, उत्तानपाद की दो रानियां हुई हैं। क्या हुई है? दो रानियां हुई हैं। दो, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। शब्द देखिए, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि मतलब रुचि, सुस्थाने रुचये है, जिसमें राजा की रुचि थी, इंटरेस्ट ऑफ किंग, इसको कहते हैं सुनीति। दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि, और एक का नाम, दूसरी का नाम सुनीति। नीति किसको कहते हैं? मॉरल, इंग्लिश में मॉरल कहते हैं, जैसे नीति शास्त्र कहते हैं ना, मॉरल एजुकेशन, वैसे नीति, तो उसको कहते हैं सुनीति। जिसकी सुंदर नीति है वो है सुनीति। परंतु जो सुनीति जी थी वो सुंदर नहीं थी, लेकिन सुरुचि थी वो बहुत सुंदर थी। तो राजा का मन सुरुचि में रहता था, सुनीति में नहीं था। दोनों के पुत्र थे। श्री सुनीति का पुत्र जो था उसका नाम था श्री ध्रुव, और जो सुरुचि का पुत्र था उनका था उत्तम। एक दिन क्या हुआ, सुरुचि रहती थी महल के बाहर एक कमरे में, सुनीति रहती थी महल के बाहर एक कमरे में, सुरुचि राजा के समीप रहती थी। एक बार क्या हुआ, श्री ध्रुव जी जो श्री सुनीति जी के बच्चे थे वो वहां से आ रहे थे और महल में घुसने का प्रयास कर रहे थे। जब महल में घुसे देखा तो उत्तम जो सुरुचि जी, सुरुचि का जो बालक था वो राजा की गोद में बैठा था उत्तानपाद की। ध्रुव जी का मन किया कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं। तो जैसे ही वो बैठने लगे तुरंत वहां सुरुचि खड़ी थी, उसने ध्रुव जी को धक्का दिया, चल तेरा कोई अधिकार नहीं है यहां बैठने का। क्यों? तू यहां पर तभी बैठ सकता है जब मेरे गर्भ से तेरा जन्म हुआ, इसीलिए जा, जाकर के पहले श्री नारायण की उपासना कर ताकि तेरे को मेरे गर्भ से तू निकले, तब जाकर के तू राजा के पास बैठने का अधिकारी है। ध्रुव जी का मुंह बहुत छोटा हो गया, वो तुरंत रोते रोते अपनी माँ के पास गए, सुनीति जी के पास। धन्य है सुनीति, एक बच्चे को क्या संस्कार देना चाहिए वो बताती है सुनीति जी। देखिए उत्तम माँ कौन है, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, वही उत्तम प्रसूता है, वही उत्तम माता है जिसका बच्चा जो है वो भगवान रघुपति का भक्त है, भगवान का भक्त है, श्री कृष्ण का भक्त है, वही माता सार्थक है। बच्चे की माँ होना बड़ी बात नहीं है, भक्त की माँ होना यश की बात है, वो यशस्विनी हो जाती है। तो एक रोते रोते गए जाकर के बोले माता से, माता ने उठाया, पहले अपने अंक में लिया, अंक में लेकर के श्री ध्रुव जी के आंसू पहुंचे। पहुंचने के बाद पूछा कि क्या हुआ, तो कहा ध्रुव जी ने कि ऐसी ऐसी बात हो गई, मेरी क्या गलती है, मैं अपने पिता के अंक में आरूढ़ होने के लिए ही तो गया था, बताइए मेरी क्या गलती है। बोले अच्छा, थोड़ी सी क्रोश में, आरोश में, रोष में भरी। लेकिन फिर उसने कहा, बता माता के शब्द क्या थे, तो माता के शब्द कहा जब ध्रुव जी ने कि सुरुचि माता ने कहा है कि भगवान का भजन कर, तब मेरे द्वारा जब मेरे गर्भ से प्रकट होगा तब जा करके बैठने का अधिकारी है। तो सुनीति धन्य है, कैसी शिक्षा वो देती है देखो। बोले दो बातें हैं इसमें, मेरे गर्भ से प्रकट होगा और भगवान का भजन कर। देखो ध्रुव, इन दोनों बातों में से एक बात को पकड़ लो, जो उन्होंने कहा है वह वेद का सिद्धांत कहा है, तू मन छोटा मत कर, तुझ पर तो उसकी कृपा ही समझ। उसने कहा है ना मेरा भजन, भगवान का भजन कर, तो बस बच्चे अब श्री भगवान का ही भजन कर। क्यों? अच्छा एक बात बता, तू अब रोएगा, रो करके तू चुप हो जाएगा तो
क्या होगा? मान लो तू उस गोदी में भी बैठ जाता तो उस नश्वर गोदी में बैठ करके तेरा क्या उत्थान होता, क्या होता तेरा, तू कौन सा महान बन जाता? अब तू भगवान का भजन कर, क्योंकि तू अब भगवान का भजन करेगा तो तेरे को ऐसी अमल गोदी में बैठने का सौभाग्य मिलेगा ठाकुर जी की गोदी में, कि जिसके बाद जिस पर बैठने के बाद व्यक्ति का पतन नहीं होता, कभी दुख नहीं होता। इस कारण से तू भगवान का भजन कर। अब उसको उनको बताया कि तू भगवान का, छोटे से बच्चे को ये सिखा रही है। आजकल की माता होती तो क्या करती, अच्छा उसने ये कह दिया, अभी ले सुना के आती हूँ दो चार उसे, वो जाकर के उसके कान भरी आती। लेकिन धन्य है, कैसे शिक्षा प्रद, कैसे शिक्षा देनी चाहिए ये बताया है। छोटे से बच्चे को यदि आज छोटे से बच्चे छोटे छोटे पन में ही कहते ना, इतना चालाक है, इतना चालाक है, सबका बाप हो रहा है बेटा, ये किस कारण से? क्योंकि हमने कुरीतियां उसके दिमाग में भर दी हैं। हम लोगों ने उसके दिमाग में पहले ही सबकी इमेज फिक्स कर रखी है, फोटो फिक्स कर रखी है कि हाँ भाई ये ऐसी, वो ऐसी, वो ऐसी और वो ऐसी। लेकिन ऐसा सुनीति जी ने नहीं किया। इसलिए उत्तम नीतियाह शु सुनयाह अस्य सह सुनीति, जिसकी नीति उत्तम है वो सुनीति जी है। फिर क्या, फिर उसके बाद ध्रुव जी को कहा, ध्रुव जी थोड़ा सा मुस्कुराए फिर रोने लग गए। माता ने दोबारे पूछा, अब क्या बात है, अब क्यों रोता है? तो कहा, हाय मैया, पहले मैं सोचता था किस अभागी माँ के कोख से जन्म लिया है कि राजा की गोदी में बैठने का अधिकारी भी नहीं रहा मैं, लेकिन धन्य है तू, धन्य है, आज पता चल गया कि तेरी जैसी महान कोई नहीं हो सकती। उस राजा की गोद में बैठ करके तो क्या करूंगा मैं, अब तो भगवान की गोद में बैठूंगा। बैठू सकल गोद निर्भय हो, सदा सहित सम्मान पायो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धर के श्री हरि को ध्यान पायो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। तुरंत चले गए वो भजन करने, चले गए। अब भजन तो करने चले गए, अब भजन ऐसे ही थोड़ी ना कि कोई का मन आ जाए भजन करने चलो तो चल दिए भजन करने। भजन करने के लिए गुरुदेव की आवश्यकता होती है। ध्रुव जी को महसूस हुआ, माता ने कह तो दिया भजन कर, लेकिन भजन कैसे करूं, पद्धति कौन बतावे? भजन करने की पद्धति कोई बताएगा तो वो सदगुरु ही बताएंगे। धन्य है सदगुरु। तुरंत उसके मन में हुआ कि अब मैं क्या करूं, मुझे भजन की पद्धति कौन बताएगा? तो देखो, जब मन में संकल्प होता है ना, जब मन में एक प्रेरणा होती है शुभ संकल्पों की, शुभ कार्य की मन में संकल्पना होती है, तब उस संकल्प को पूरा करने के लिए श्री भगवान कृपा करते हैं। और श्री भगवान की कृपा से ही ऐसे सद्गुरु प्राप्त होते हैं। ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति श्री भगवान की कृपा से होती है। तो जब मन में संकल्प शुभ संकल्प हुआ तो ठाकुर जी ने कृपा करी है और तुरंत श्री नारद जी को भेज दिया। मिल गए नारद मुनि मग में, पड़ा ध्रुव मुनि के चरणन में, गुरु जी अब दीजो ज्ञान हमें, तो ऐसो मंत्र दियो कानन में, ऐसो मंत्र दियो कानन में, मिले कान पायो लोक, भक्त ध्रुव धर के श्री हरि को ध्यान। ध्रुव, नारद जी मिल गए। अब देखो नारद जी ने कहा, अरे ध्रुव रास्ते में क्या कर रहा है तू, इतने भयानक जंगल में क्या कर रहा है? तो उसने सारी घटना बताई, मैं भजन के लिए जाना चाहता हूँ। नारद जी ने पहले परीक्षा लेनी चाहिए। नारद जी ने कहा, क्या भजन के लिए जाना चाहता हूँ? भजन कोई एक रुपए की टॉफी है, एक रुपए की मिठाई है, छोटी सी मिठाई है, कि जो भी मर्जी आए वो ही चल दिया? लेकिन उसने कहा, नहीं नहीं, अब मैं तो भजन ही करूंगा। तो फिर समझाया नारद जी ने, नहीं नहीं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होते ध्रुव, चल मैं बिठाता हूँ तेरे को गोदी में, तेरा, तेरे को आधा राज्य अभी दिलवाता हूँ। ध्रुव जी के आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, कैसी भजन की महिमा है, अभी तो मैंने भजन करना शुरू भी नहीं किया और आधा राज्य मिल रहा है। और जब भजन करूंगा, जब श्री भगवान दर्शन देंगे तो पता नहीं क्या गति होगी, क्या दे देंगे वो। इस कारण से ध्रुव जी को नारद जी ने कहा कि वत्स, मैं तुझे मंत्र देता हूं। तो नारद जी ने परम मंत्र का उपदेश किया।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का उपदेश नारद जी ने ध्रुव जी के कान में किया। उसने ध्रुव जी ने कहा ठीक है, लेकिन मैं अब जाऊं कहां भजन के लिए? तो नारद जी ने कहा तत्तात्र गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचे पुण्यम मधुबनम नित्यम सानिध्यम नित्यदा हरे। मधुबन चला जा मथुरा, वहां पे आज भी श्री ठाकुर जी की लीला हो रही है। देखो सतयुग की बात है लेकिन लीला नित्य चलती है ठाकुर जी की श्री वृंदावन में ब्रज में। इसलिए कहा तू जाकर के मधुबन में तपस्या कर। आए हैं ध्रुव जी, ध्रुव जी आकर के तपस्या करने के लिए बैठे हैं। और जब तपस्या की है तो महाराज ऐसी तपस्या करी है कि आसन हिल गए ऊपर, देवलोक ऊपर के सप्तलोक ऊपर के नीचे के सप्तलोक हिल गए हैं बिल्कुल, ऐसी दिव्य तपस्या करी है। पहले क्या किया, पहले एक छोटा सा पहले बेर से शुरुआत करी, बेर खा खा करके पहले शुरुआत करी है, फिर धीरे धीरे पत्र पे आए हैं, फिर धीरे धीरे महाराज केवल जल पे आए हैं, धीरे धीरे जल भी छोड़ दिया है, अब तो केवल श्वास लेकर के ही भजन कर रहे हैं। जब श्वास की गति ध्रुव जी ने ली तो ऊपर के लोगों की श्वास रुक गई, देवता भयभीत हो गए, भयभीत हुए देवता ब्रह्मा जी के पास गए हैं। ब्रह्मा जी ने सारी की सारी समस्या सुनकर के ब्रह्मा जी सहित सभी देवता श्रीमन भगवान के पास गए हैं, भगवान से प्रार्थना करी है प्रभु आप जाइए आप जाइए। जैसे ही गए भगवान के पास, भगवान ने कहा एवं अस्तु, तो श्री भगवान ने क्या किया, भगवान श्री ध्रुव जी के सामने आए हैं। जैसे ही श्री भगवान ध्रुव जी के सामने आने से पहले ध्रुव जी की प्रतिक्रिया देखिए। जब 6 महीने की अवधि पूरी हो ही रही थी, ध्रुव जी के मन में हुआ क्या भगवान नहीं आएंगे, क्या मेरी तपस्या में बल नहीं है, क्या मंत्र प्रदत्त दिया जो इतना श्रेष्ठ मंत्र दिया है, क्या मैं उस मंत्र को जपने योग्य सिद्ध नहीं हुआ, क्या भगवान नहीं आएंगे? तो आंख में आंसू की बूंद छल पड़ी, आंख के कोने से होते हुए आंसुओं की बूंद और कपोलों का अतिक्रमण करते हुए होठ से गुजरते हुए थोड़ी पर 2 क्षण रुकते हुए जैसे ही पृथ्वी पर गिरी सोई शंख चक्र गदा पद्म लेकर के श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। शशंख चक्रम शकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शरशाम चतुर्भुजम। भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए ध्रुव जी अंदर ही अंदर तपस्या कर रहे हैं। भगवान बार बार भगवान कह रहे हैं सुनहु ध्रुव सुनो। पर ध्रुव जी अंदर जो भगवान का स्वरूप श्री भगवान का उनके मन में था, तुरंत भगवान का ही ध्यान करते रहे, नैनों से नेत्र श्रु प्रवाहित होते रहे। भगवान ने कृपा करी, स्वरूप को आच्छादित किया तो तुरंत आंख भगवान के स्वरूप को देख करके ध्रुव जी मुग्ध हो गए। ऐसी प्रतीति हुई कि अभी जाकर के इनको आलिंगन कर लूं। पर ध्रुव जी छोटे से बच्चे 5 साल के, अब क्या स्तुति करे? फिर ध्रुव जी ने कहा भगवान से, भगवान मेरी माता ने कहा था भगवान मिले तो कुछ उनके लिए स्तुति करना, पर मैं तो कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, मैं क्या करूं? तो भगवान ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है। भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के कपोल पर चुभाया। भगवान का शंख क्या है, वेदमयी वाणी। शंख भगवान की भगवान वेद है। देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था है हमारे शास्त्रों की। हड्डियों को अशुद्ध मानते हैं, जब शमशान में जलाने के लिए जाते हैं तो उससे अगले दिन जो है हड्डियां छाटते हैं ना, वो अस्थियां लेते हैं प्रवाहित करने के लिए, तो प्रवाहित करी हुई अस्थियों को हाथ लगाने के बाद नहाया जाता है ना, क्योंकि वो अशुद्ध है। लेकिन श्री भगवान के पास शंख है, वो भी अस्थि ही है, वो भी हड्डी ही है, लेकिन एक 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 हड्डी हाथ में विराजमान है प्रभु के और वो हड्डी अशुद्ध है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं वही अपने आयुधों को धारण कर लेते हैं। इस कारण से भगवान ने कपोल पर शंख को चुभाया। कृतांजलि मई नकंबोनाथ परस्पर्श बालम कृपया कपोले। जैसे ही स्पर्श किया कपोल के साथ तो क्या हुआ, जैसे ही ध्रुव जी के कपोल पर स्पर्श किया भगवान ने अपना शंख, तो क्या हुआ, वेदमयी वाणी पाकर ध्रुव लगे करण गुणगान पायो अचल
लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धर के श्री हरि को ध्यान। जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के युग युगांतरों के दुष्प्रभाव दुस्संग दुष्प्रवृत्ति जल करके ध्रुव जी की भस्म हो गई और परम ऐश्वर्य और परम वेद का परम उपासना का ज्ञान ध्रुव जी को हो गया और जैसे ही कपोल पर चुभाया ध्रुव जी ने इतनी सुंदर स्तुति की है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्तखिल शक्तिधरस्वधान्नाम् अन्यस्तहस्त चरण श्रवणत्वकादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रभु मैं आपके सामने खड़ा हूं, चक्रवर्ती पाद की टीका से भी सुन लीजिए। यो अंतः प्रविश्य, अरे प्रविश्य अंतकरणे मम स्थिते, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप मेरे सामने कर रहे हो, मन ऐसा कर रहा है उछल करके आपकी गोदी में बैठ जाऊं। यो अंतः प्रविश्य मम वाह च मिमां प्रसुप्तां, भगवान से वार्ता हुई है, वार्ता होने के बाद भगवान ने गोदी में उठाया है ध्रुव जी को, ध्रुव जी को खूब स्नेह किया है प्रभु ने। छोटे से बच्चे हैं ध्रुव जी, भक्ति का चमत्कार देखिए, छोटे से बच्चे आज उनकी अंक में है, जिनकी अंक में होने के बाद और किसी दोबारे किसी माता की अंक में नहीं जाना पड़ता। इस कारण से भगवान ने कहा कुछ मांग ले ध्रुव, कुछ मांग ले। बोले नहीं प्रभु, मेरे को तो क्या चाहिए, पहले राज्य की कामना थी, अब मेरे अंदर राज्य की कामना नहीं, कोई गोदी फोदी में नहीं बैठना मुझे तो। अरे जो साक्षात आपकी गोदी मिल गई तो अब मुझे क्या बैठना है। पर फिर भी ध्रुव जी ने कहा, फिर भी भगवान ने कहा मांग ले। तो ध्रुव जी ने जो मांगा है वो सार है, क्या मांगना चाहिए भगवान से। तो क्या मांगा ध्रुव जी ने, भक्ति मोह प्रवताम त्वे में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानाम यन व्यंज सोलवणम उर्व्यसनम भवाद्विम नेसे भवत गुण कथामृत पान मत्ता। प्रभु आपके प्यारे लाडले संतों के सामने बैठ करके उनके मुखारविंद से निर्झरित होती हुई कथा का पान हमेशा करता रहूं, बस आप मुझे यही आशीर्वाद दे दो, यही मेरी कामना है, आपके नाम का स्मरण करता रहूं, केवल मुझे हरि कथा दे दो, भगवान की कथा दे दो। क्योंकि हमारे कलमश जो हैं, लोग कहते हैं हम कलमशों से पीड़ित हैं, हम बहुत ज़्यादा अंदर से घबराए हुए हैं, हमारे कलमश कैसे दूर होंगे, तो कैसे दूर होंगे। रावण से कह रहे हनुमान जी, सुनु लंकेश कहूं पनरोपी विमुख राम त्राता नहीं कोपी शंकर सहस विष्णु अज तो ही सकई न राखी राम कर द्रोही। भगवान को छोड़ करके कोई बंधन को काटने वाला नहीं है, श्री भगवान ही केवल तुम्हारी आत्मा को परम पवित्र करके और सुख की निर्जलित श्री गंगा जी का प्रवाह कर देंगे। ऐसा करके श्री ध्रुव जी को भगवान ने कृपा करी और भगवान की कृपा से ध्रुव जी से कहा भगवान ने कि नहीं नहीं, तुमने पूर्व जन्म में राज्य मांगा था तो तुम 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे और राज्य करने के बाद तुम्हें मैं ऐसा लोक दे रहा हूं ध्रुव कि किसी ने पहले लोक ऐसा देखा नहीं है। तो भगवान ने ऊपर ध्रुव लोक की व्यवस्था करी है, सप्तऋषि मंडल जिसकी परिक्रमा करते हैं, क्या 5-स्टार होटल करेगा महाराज, ऐसा सुंदर ध्रुव लोक उनको दिया है भगवान ने, अलग से डिपार्टमेंट बनाए हैं ध्रुव लोक। ऊपर देखते ना हम लोग साइंटिफिक रीजन 7-स्टार ऑफ द वंडर्स, ये सब जो पोएट्रीज और पोएम्स है ये सब वही ध्रुव लोक है, वो जो सेटल्ड है ध्रुव जी के लिए भगवान ने किया है। भगवान को परम ध्रुव जी को भगवान ने ध्रुव लोक दिया है। एक दिन फिर वापस ध्रुव जी गए हैं, ध्रुव जी अपने घर गए हैं, पिता ने क्या किया, पिता बहुत घबराया हुआ था, हाय मैंने ध्रुव के साथ क्या कर दिया, क्योंकि नारद जी ने सारी कथा सुना दी थी उत्तानपाद को। रास्ते में आ रहे थे ध्रुव जी, वहां से उत्तानपाद आ रहे थे, दोनों एक दूसरे को देखा पिता, ध्रुव ने कहा यदि पिता चरणों में पड़ गया तो मेरा पुत्र होना कठिन हो जाएगा, तो ध्रुव जी पहले ही पिता के चरणों में पड़ गए। पिता ने उठाया ध्रुव जी को गोदी में और फिर क्या किया, गाल पे चुंबन किया, ये वही गाल है जिस पे श्री भगवान ने कपोल पे शंख स्पर्श किया था, कपोल पर हरि अधरामृत लगा था जो उत्तानपाद के मुख में चला गया, उसके जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के युग युगांतरों के दुष्प्रभाव दुस्संग दुष्प्रवृत्ति जल करके भस्म हो गई और उसके मन में वैराग्य का उद्भव हुआ और कहा ध्रुव अब तुम राज्य संभालो और मैं परमार्थ संभालता हूँ। ऐसा कहकर के ध्रुव का राज्याभिषेक हुआ, कुछ 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राज्य किया। एक दिन क्या देखा,
ध्रुव जी अपने महल से बाहर जा रहे थे, देखा सामने एक बहुत भयानक सी स्त्री, बाल खुले, सफेद साड़ी, आंख महाराज कहीं और, ऐसे ऐसे भयंकर स्त्री का, ऐसे भयंकर डरावना वेश लेकर के एक स्त्री सामने से आ रही थी। ध्रुव जी ने कहा, देवी आप कौन हैं? तो उसने कहा, मैं साक्षात मौत हूं। अरे ध्रुव, वर्षों से तुम्हारे महल में घुसने की चेष्टा कर रही हूं, पर जिस भी खिड़की से घुसती हूं मुझे घूमता हुआ सुदर्शन नजर आता है, मुझ पर कृपा करो, मेरे द्वारा इस त्रिगुणात्मक सृष्टि से व्यक्ति परे जा पाता है। ऐसा कहकर के ध्रुव जी ने कहा, कोई बात नहीं, सब पर कृपा करी है संत हृदय नवनीत समाना। भगवान ध्रुव जी ने कहा, कोई बात नहीं। तो ध्रुव जी ने क्या किया, ध्रुव जी ने संकल्प किया। संकल्प करते ही ध्रुव जी ने कहा, विमान आ गया ऊपर से, और विमान धरती से थोड़ा ऊपर था। अब ध्रुव जी धरती पे हैं, कैसे ऊपर तक जाएंगे? तो मृत्यु ने कहा, मेरे मस्तक पर पैर रख करके जाकर मुझे धन्य करते हुए आप उस विमान में जाओ। देखो, मृत्यु मूर्धनिम पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके ध्रुव जी गए। देखो, मृत्यु तो वही है, जब वो किसी पापी दुराचारी व्यक्ति के पास आती है ना, तब उसकी भयाभय दशा हो जाती है। लेकिन वही मौत जब एक भक्त के पास आती है, तो भक्त के स्पर्श से मृत्यु भी अपने आप को धन्यात धन्य कर लेती है। जैसे एक बिल्ली है, बिल्ली का बच्चा है, बिल्ली तो वही है, बच्चा वही है, लेकिन बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो प्यार से मुंह में पकड़ करके उसको बिल में रख देती है, लेकिन वही जब एक चूहे को पकड़ती है तो उसको फाड़ करके उसकी भयाभय दशा कर देती है। ऐसे मृत्यु भी वही है, बस एक अत्याचारी के पास मृत्यु जाती है तो उसकी भी महाराज उस चूहे जैसी भयाभय दशा कर देती है, लेकिन वही मृत्यु जब एक भक्त के पास आती है तो अपने स्पर्श, उसके स्पर्श से अपने आप को धन्यात धन्य कर लेती है। मृत्यु मूर्धनिम पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। ऊपर मृत्यु के मस्तक पर ध्रुव जी ने पैर रखा, और पैर रखते ही भगवान के दिव्य विमान में गए, और ऊपर जाकर के भगवान सप्तऋषि मंडल जिस ध्रुवलोक की परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसे ध्रुवलोक में श्री ध्रुव जी पहुंच गए। नित्य वहां संकीर्तन होता है, नित्य कीर्तन की आभा आज भी वहां पर विराजमान है। ये छोटा सा ध्रुव चरित्र, बहुत 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 समय कम था, लेकिन जो यथामति गुरुदेव की जैसी कृपा हुई, जैसा गुरुदेव ने पढ़ाया, यद्यपि गुरुदेव ने पढ़ाया तो बहुत, लेकिन मैं अपनी दुष्ट और अल्प बुद्धि के कारण थोड़ा ही समझ पाया, जो भी समझ पाया वो आपके सामने रख दिया। और सभी आप लोग सब मुझसे बड़े हैं, आप सब कृपा करिए, मेरी यथा भक्त यथा मति श्री कृष्ण चरणारविंद में सच्ची में लगे, ऐसी कृपा ऐसी प्रार्थना श्री भगवान से करिए। इसीलिए सभी को यथा योग्य प्रणाम करता हुआ मैं वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल करो विश्व कृपा। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। हाँ देखो, ये कथा में एक छोटी सी शिक्षा है, कोशिश करो इतना शिक्षा घर में कम से कम लेकर के जाओ। जिस समय ध्रुव महाराज वैकुंठ का विजय कर रहे थे, इतने में उनकी मैया की याद आ गई, बोले मेरी मैया कहाँ है? तो विष्णु दूत कहते हैं, तो मैया को क्यों ढूंढ रहे हो? बोले आज जो हमें भगवान मिले हैं ये माँ की आशीर्वाद से, माँ ने मेरे को ये रास्ता दिखाया। बोले बेटा, ये पिता कब तक रहेगा, ये दुनिया कब तक रहेगा, सब नष्ट होने वाले, ऐसे एक पिताजी की गोद में तुम बैठो। एक बार बैठना कभी उतरने का जरूरत नहीं, ये माँ की आशीर्वाद से आज मैं संत बना है, इसलिए मैया को लिए बगैर मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। देखो ध्यान देख रहे, सुनो, मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा मैया के बगैर में। तो उन्होंने बोले, देख, जिस मैया ने तुम्हें गर्भ में धारण किया और भक्ति की उपदेश दी, देख पहले वो जो रथ है ना, उसमें तेरी मैया जा रही है पहले, तू पीछे पीछे जा रहे हो, माँ की आगे आगे नहीं, माँ की पीछे पीछे जा रहे हो, माँ आगे जा रही है। इसलिए जिसकी बच्चे भजन करते हैं उसको पहले पिता माता उधार होते हैं, उसको बाद में बच्चा उधार होता है। इसलिए माताओं का कर्तव्य है अपना बच्चों को भजन की शिक्षा दे, भक्ति की शिक्षा दे। इसलिए ये सुमित्रा कहती है, रामायण सुने होंगे, जिस समय राम सीता वनवास जा रहे थे, उसी समय में लक्ष्मण अपना माँ सुमित्रा को पास में आते हैं, बोले मैया मेरे को आदेश दे दे, भाभी भैया की सेवा के लिए जाऊँ। इतने सुमित्रा खुश हो गई, देखो क्या कहती हैं, बोले पुत्रवती जुवती जगस्वई रघुपति भक्ति जासुसुतो। बोले उसी माँ की गर्भ धारण करना सार्थकता है जिसका बेटा भगवान की राम की भजन की। दूसरे लाइन में क्या कहती है, देखो ध्यान देख रहे, सुना,
दूसरे लाइन में क्या कहती हैं, कहते अगर बच्चे को तुमने भजन में नहीं लगा पाई तो सुमित्रा कहती हैं मैया को बांझ रहनी चाहिए। वो कहती हैं बच्चे जन्म देने का कोई जरूरत नहीं, क्यों बच्चे को जन्म दोगे, 9 महीना गर्भधारण करोगे, प्रसव पीड़ा सहन करोगे, कितना कष्ट करके लिखा पढ़ा सिखाओगे, कष्ट करके क्या होगा। सुमित्रा कहते क्या होगा, देखो इसका पुराने में दूसरी कथा है, बोले एक समय कोई एक योगी स्वर्ग में पहुंचा, एक व्यक्ति रत्न सिंहासन में बैठा हुआ अप्सरियां सेवा कर रही थी, लेकिन वहां बैठी बैठी रो रहा था, बेहोश हो रहा था। योगी ने पूछा तू इतने अच्छे कर्म करके स्वर्ग में आए हो और तुम रत्न सिंहासन में बैठे हो, तेरे को अप्सरियां सेवा कर रही हैं, यहाँ क्यों रो रही हैं। देखो क्या कहता है, बोले मैंने बहुत पुण्य कर्म किया इसलिए स्वर्ग में आया, लेकिन मेरे से एक गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई, बोले बच्चों को मैंने सद्मार्ग नहीं दिखाया, जो पैसा मैंने कमा करके छोड़ करके आया वो बच्चे अभी उससे जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मांस मदिरा पान कर रहे हैं, चूंकि मैंने ही वो पैसा छोड़ करके आया था उसका अभी दुष्कर्म में लगा रही, उसका जो पाप है ये मेरे को स्वर्ग में भी नहीं छोड़ रहा है। इसलिए अगर बच्चों को जन्म दिया भजन में नहीं लगाया, बच्चे कुमार्ग में गए, उसका सारे कर्म फल पिता माता को लेना पड़ेगा, जिसका पुण्य लोगे उसका पाप भी तुम्हें ही लेना पड़ेगा। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे भैया बच्चे तभी जन्म दो बच्चों को जब तुम भगवान की भजन में लगा पाओगे, नहीं तो भजन में नहीं लगा पाओगे तो बच्चा जन्म मत दो, ये सुमित्रा खुद कहती है। इसलिए क्या करो, जब तक पिता माता भजन नहीं करेंगे ना तो बच्चे भी भजन नहीं करेंगे। पहला गुरु कौन है हमारे, माँ पिता, पहले तो माँ के संस्कार बच्चे के ऊपर ज्यादा पड़ती हैं। अगर पिता माता भजन करेंगे तभी तो बच्चे को बोलेंगे तू भी तो भक्ति कर, अगर खुद अगर भजन नहीं करेंगे तो बच्चों को क्या बोलेंगे, बोल ही नहीं सकते, खुद करता नहीं। अगर पिता शराब पीता है बच्चों को बोल सकता है तू शराब मत पी, पहला गुरु तो स्वयं पिता है माता है, इसलिए भक्ति करे, बच्चों को भी भक्ति का मार्ग दिखाए। जिस घर में ठाकुर का नाम पूजा भक्ति हो वो घर नहीं, वो घर भगवान का धाम हो जाता है, वो गोलोक वृंदावन घर हो जाता है। इसलिए भजन करो भक्ति करो और जीवन में सुख में रहो, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इसलिए कल है भगवान का जन्म तिथि है, इसलिए अब लोग कल एक एक व्यक्ति नहीं, एक एक भक्त 10-10 भक्तों को बुला कर लाना, अड़ोसी पड़ोसियों से सबको बुला करके लाओ, और कल यहाँ पर बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, जय कन्हैया लाल की। इसलिए बड़े धूमधाम से भगवान के जन्म महोत्सव मनाएंगे। आज बहुत रात हो गया, यहीं पर कथा को हम विश्राम देते हैं, अभी प्रभु जी के भजन गाएंगे, उसके बाद में आरती, फिर प्रसाद लेकर के सबके सोचाना, एक बढ़िया भी भजन गा। श्री राधा राधा कट जाए, भव राधा कट जाए, कोटि जनन की आरती, श्री राधा नाम सुजाए, हे राधा सबके सब भूल जाएगी, सबके सब
टोपिया से बैठी है, सर खड़े हो जा, हाँ बोलो। Oh,
कल्पना दी वरना कल्पना ना कृष्ण प्रिया Yeah.
पहले बताया ना ठाकुर के सामने एक बार नाच लो सारा दुनिया की नाच खत्म हो जाता है, इसलिए सबके सामने एक बार हाथ उठा करके आपके साथ में मैंने नाचने के लिए खड़ा हुआ हूँ, मेरे साथ में सबके सामने नाचना, थोड़ी सी ठुमक लगाते हैं, ठीक है, सब एक बार हाथ उठा लो, बोले हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल
जय सुखदेव गोस्वामी की जय। प्रसिद्ध परिकीत महाराज की जय। इतरीला प्रभु श्रील भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जय जय। इतरीला प्रभु श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जय जय। इतरीला प्रभु श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। इतरीला प्रभु श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जय। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। सपरिकर गौर हरि की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भागवत कथा सुनने वाले भक्त वृंद की जय। भागवत कराने वाले श्री ओम भिन्न प्रभु की जय। परिवार की जय। जय श्री राम। भक्ति वेदांत श्री श्रीधर महाराज की जय। प्रसाद सब प्रसाद ले जाओ इधर आओ। काम करो मंत्र पढ़ लो तुलसी पत्ता लेकर खोलो उसको बंद है।